आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत विशेष है, पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का दिन दो व्यक्तियों का आज जयंती है। एक तरफ इधर नॉर्थ इंडिया में ही गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो साथ ही साथ जो आचार्य क्षेमराज हैं, शैव दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य, उनकी भी जयंती आज है। तो आचार्य क्षेमराज के विषय में आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और जैसा कि आप सभी इस विषय को देख पा रहे हैं कि इसमें दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, कि आचार्य क्षेमराज की जो शब्दावली है और जो शब्दावली से जुड़े हुए जो विचार हैं, क्योंकि शब्दों को विचार के अनुकूल व्यवस्थित करना और विचार के अनुकूल शब्दों को व्यवस्थित करना, दोनों का जो सामंजस्य है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस आज की इस चर्चा के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आरंभ में श्री सुनील रैना राजानक जी का, क्योंकि जिन्होंने ये स्मरण मुझे दिलाया। पिछली बार के लिए भी उन्होंने ही इस विषय के बारे में, आचार्य क्षेमराज जयंती के विषय में स्मरण दिलाया था, तो हम उस पर कार्यक्रम आरंभ अपना कार्यक्रम आयोजित कर पाए थे। और इस बार भी उनकी ये प्रेरणा, सत प्रेरणा है, सहयोग है, जिसकी वजह से हम ये आज का कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और उनका स्वागत भी आप सभी की ओर से करता हूँ। सीधा विषय की ओर आते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि उनकी शब्दावली और उनके विचार को हम जानने का आज उनके जयंती पर प्रयास करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी एक विशेष प्रकार की शब्दावली होती है, और उस शब्दावली से जिस प्रकार का विचार अग्रसर होता है, प्रसरित होता है, वो अपने आप में जानना समझना वो एक बड़ा दुरूह कार्य है, और उसके लिए हम जैसे लोगों को विद्वानों की शरण में जाना पड़ता है कि उस शब्दावली का निर्माण कैसे हुआ होगा, उसका प्रयोजन क्या रहा होगा, उसके संदर्भ क्या रहे होंगे, और वो कौन से ऐसे सांस्कृतिक, दार्शनिक और सामाजिक परिस्थितियां रही होंगी जहां से वो शब्द उठ करके आ रहा होगा, और क्या उस शब्द का कोई इतिहास रहा या नहीं रहा। इन सब बातों को ध्यान में रखना किसी भी शब्द को जानने समझने के लिए बहुत अपेक्षित होता है, और वो निश्चित रूप से आप विद्वानों के, मर्मज्ञों की सहायता के बिना नहीं कर सकते। और ये भी बात उतनी ही सत्य है कि हर संस्कृति, हर समाज और सभ्यता में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उसको परिभाषित करते हैं, और मुझे लगता है कि कश्मीर शैव दर्शन जो है वो पूरी भारतीय संस्कृति को अपने प्रकाश शब्द से परिभाषित करता है। और इसका इतिहास हम सभी जानते ही हैं कि प्रकाश के प्रति भारतीयता का जितना आग्रह हमें वेदों से लेकर के और साहित्य में मिलता है, उसको अपनी दृष्टि से उसको एक दार्शनिक मूल्य प्रदान करने का जो प्रयास और जो आयाम उसको दिए हैं कश्मीर शैव दर्शन में, वो निश्चित रूप से साधुवाद के योग्य है, वो अपने आप में बहुत प्रभावित करने वाले हैं। तो उसी सारे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज हमने दो विदुषियों को आमंत्रित किया है कि वो इसके ऊपर हमें शब्दावली से और उस शब्दावली में जो निहित विचार मीमांसा है उसके ऊपर हमारा परिचय कराएंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे और हमें अग्रसर विचार के क्षेत्र में अग्रसर होने का मौका देंगे। सामान्य रूप से जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करने लगते हैं तो हम तुरंत उनकी महानता और उनके कार्यों की ओर चले जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इस बार हम आचार्य क्षेमराज जी को हम तीन दृष्टियों से पहले देखने की कोशिश करें।
इस तरह से हम उनको अप्रोच करें, क्योंकि अप्रोच करने का जो तरीका है वो सामान्य रूप से शास्त्रीय और बाकी सब जगह तो केवल विचार से कर देते हैं कि आचार्य शंकर ने ऐसा लिखा, अभिनव ने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम आचार्य क्षेमराज को कर्ता के रूप में, उनकी शब्दावली क्या रही होगी या जो शब्दावली प्रयोग करते हैं तो कर्ता की दृष्टि से उस शब्दावली का क्या अर्थ होगा, भोक्ता की दृष्टि से उस शब्दावली का क्या अर्थ होगा और ज्ञाता के रूप में उस शब्दावली का क्या अर्थ होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता के रूप में आज हम क्षेमराज, आचार्य क्षेमराज की शब्दावली को समझने का, उनका जो अभिव्यंजना पक्ष है उसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो एक नया आयाम उभर कर हमारे सामने आएगा। और इससे पहले कि मैं अगली बात कहूं, मुझे ये भी साथ साथ ध्यान आ गया कि आचार्य क्षेमराज में जो क्षेम शब्द है वो एक बड़ा सुंदर शब्द है, क्योंकि योग और क्षेम दोनों साथ साथ चलते हैं सामान्य रूप से, लेकिन क्षेम शब्द जो है वो प्राप्त से रक्षणम उसका अर्थ होता है। तो और साथ में राज शब्द जो है, राजरी दीप्तौ, अगर हम इस अर्थ को ले लें तो एक तो उन्होंने परंपरा को, इतिहास को अपने में जिस तरह से अपनी शब्दावली में समेटा, उसके लिए उनको, मुझे लगता है कि क्षेम शब्द बिल्कुल उपयुक्त उनके लिए बैठता है। और केवल उन्होंने उसको तथ्यात्मक रूप में अपने साथ ही नहीं रखा, उसमें एक प्रकाश को उत्पन्न कर दिया, इसलिए वो राज शब्द भी बिल्कुल उपयुक्त और संगत लगता है। तो क्षेम राज, मुझे लगता है कि आज मुझे आप लोगों से बात करते हुए ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक तरफ परंपरा को रखा और परंपरा में जीवंतता रखने के लिए उन्होंने राज शब्द जो है, राजरी दीप्तौ, उसमें जो कांति, उसमें जो चमक, और शायद इसीलिए उन्होंने चिति शब्द का प्रयोग किया। तो जिसकी व्याख्या आज की हमारी जो दोनों विदुषियां हैं, डॉक्टर राजेंद्र और प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, वो इन विषयों पर चर्चा रखेंगे। तो लौट के पुनः अपने संक्षिप्त सी भूमिका पर मैं आ रहा हूं कि जब आप किसी आचार्य को डूअर और इंजॉयर और नोअर के रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके सामने चार बातें और होती हैं। उस तीन के माध्यम से हम उनकी चार पक्षों को और जानना चाहते हैं। एक उनकी जो भाव वृत्ति है कि वो इमोशनल, उनकी किस तरह का एक स्टेटस रहा होगा, कंडीशनिंग शब्द यहाँ शायद उपयुक्त ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो उनका भाव पक्ष है उसको हमें समझना बहुत आवश्यक होगा किसी भी शब्द की व्याख्या करते हो। फिर शब्द वृत्ति जो है, जिन शब्दों का जिस तरह के वाक्यों में वो प्रयोग करते हैं तो उस शब्द वृत्ति को भी जानना, उसकी व्याख्या अपेक्षित होगी। फिर ज्ञान वृत्ति कैसी है उनकी, ज्ञान पक्ष जो है, क्योंकि वो शब्द जिस ज्ञान के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहे हैं उसको जानना और समझना भी बड़ा आवश्यक है। और तीसरा जो है वो कर्म वृत्ति जो है, कर्म पक्ष, क्योंकि भाव, शब्द और ज्ञान, ये जाकर के इनका समन्वय तो कर्म में ही होना है। तो उस सारे को हम इन चार पक्षों से भी देखें, तो एक तरफ कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, और दूसरी तरफ आपकी जो भाव, शब्द, ज्ञान और कर्म वृत्तियां हैं, इन पक्षों से भी हम उनको देखें। तो सामान्य रूप से जो आज तक हम आचार्य क्षेमराज को और कश्मीर के जितने भी आदरणीय आचार्य हुए हैं, उनकी सबसे प्रथम जो दृष्टि रहती है वो तो प्रातिभ दृष्टि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभा के ऊपर जितना उनका बल है, प्रातिभ ज्ञान के ऊपर जितना उनका बल है, वो तो अनमैच्ड है। और विचार पक्ष पर अगर आप उनको देखें तो उनके, क्षेमराज जी के दो पक्ष आपको, दो पंख आपको मिलेंगे, एक प्रत्यभिज्ञा और दूसरा स्पंद। मैं इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा, ना इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन इस पे हम चर्चा को सुनेंगे। अब इसी स्पंद और प्रत्यभिज्ञा के बीच में आपको जो शब्दावली मिलती है, जिसमें चिति जो बहुत ही प्रभावित करने वाला शब्द है, वो प्रकाश, शिव, विमर्श, मल, त्रय, प्रमाता आदि आदि, इन शब्दों से अधिकांश लोग परिचित ही हैं, उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं कुछ कह रहा। अब इसके साथ साथ एक बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करके फिर उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आज के प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र जी को, कि प्रत्येक शब्द के तीन पक्ष होते हैं। पहला जो होता है वो पार्थिव पक्ष होता है। पार्थिव पक्ष से अभिप्राय ये है कि जो दैनंदिन
जीवन में, चाहे समाज में, चाहे व्यक्ति के स्तर पर, वो ऐसा शब्द होता है जो नित्य दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग होता है, और हम उसी से कई बातें जो हैं अपनी निर्धारित करते हैं, और उसका प्रयोग की जो आयाम है वो घर की रसोई से लेकर के राष्ट्र प्रबंधन तक आपको देखने को मिलेगा। जैसे रस शब्द है, प्रकाश शब्द है, इनका जो आप देखेंगे इनकी जो रेंज है वो राष्ट्र से लेकर के घर की रसोई तक, खाना बनाने तक वो आपको देखने को मिलता है। प्रतिभा आपको खाना बनाने से लेकर के राष्ट्र प्रबंधन तक करना पड़ता है, तो वो प्रतिभा शब्द जो है वो इस तरह के पार्थिव पक्ष को द्योतित करता है। इसी तरह उसी शब्द का एक शाश्वत पक्ष भी होता है। शाश्वत पक्ष से अभिप्राय ये है कि वो शब्द अनेकानेक प्रकार के संस्कारों को अपने साथ, ऐतिहासिक घटनाओं को अपने समेट में अपने आप में समेट करके वो आज तक हमारे तक चला आता है। वो कोई काल का स्थिर बिंदु जैसा नहीं होता कि भाई एक बार बस वो प्रयोग हो गया और फिर उसके बाद आगे अग्रसर नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो निरंतरता में चलता रहता है और अपने साथ कितनी तरह के संस्कारों को लेकर के आज हमारे तक आ रहे हैं। ये शब्दावली जिसको मैंने अभी आप लोगों के साथ साझा किया, कितने सारे संस्कारों को लेकर के वो आज हमारे तक आए हैं, और हमारे बाद वो आगे और आने वाली जनरेशन तक जाएंगे, ये शाश्वत पक्ष है। तो शाश्वतता एक निरंतरता के संदर्भ में है, ना कि वो कोई जड़ बिंदु के अर्थ में है। तीसरा जो पक्ष है किसी भी शब्द का, वो होता है चिन्मय पक्ष। चिन्मय पक्ष का मतलब है कि वो शब्द अपने आप में कौन से ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक या अन्य कोई भी मूल्यों का वो अपने आप में, अपने में समाहित किए हुए होता है। वो मूल्यों का प्रतिष्ठापक भी होता है समाज में। और जैसे कि ये श्रेय और प्रेय शब्द हैं, मंगल कल्याण, वो सारे पक्षों को वो हमें और मतलब उन्हीं के माध्यम से कोई भी समाज या व्यक्ति अपने को परिभाषित करता है। अपने नामों के साथ हम जो शब्द लगा के चलते हैं, जैसे आंग्रेज शब्द में लगा करके चलता हूँ, तो निश्चित रूप से वो कितना कब इतिहास में शुरू हुआ होगा और वो आंग्रेज शब्द किस तरह से अपने मूल्यों को लेकर के चल रहा होगा, ऋषि परंपरा को, जिसे आज मैं धारण भी करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उस चिन्मय पक्ष को उसको समझा जा सके। और इसी तरह से हर किसी के साथ कोई ना कोई शब्द चिन्मय पक्ष वाला जुड़ा होता है, जो मूल्यों को स्थापित करता है। और इनमें से जो पहला पार्थिव पक्ष है, निश्चित रूप से उसके माध्यम से कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति अपना अर्थ और काम पुरुषार्थ सिद्ध करता है। वो उसी से चलाता है अपने, उसको मर्यादित करता है अर्थ और काम को। जो शाश्वत पक्ष वाला है उसका संबंध धर्म पक्ष से है, क्योंकि वो सबको धारण कर लेता है, कितने सारे विचारों को, कितनी सारी व्यवस्थाओं को, अपने संस्कारों को लेकर के वो आता है, इसलिए वो धर्म पुरुषार्थ से वो संबंधित होता है। और जो चिन्मय पक्ष किसी भी शब्द का है, जैसा कि हम देखेंगे शेमराज जी के शब्दावली में, वो उसके मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। तो इसलिए इन तीन पक्षों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा बहुत सफल रहेगी। इस प्रश्न को मैं अभी छोड़ रहा हूं, तो अपनी बात को आज की इस चर्चा को आरंभ करने के लिए आज हमारे पास दो वक्ता हैं, दो स्पीकर्स हैं, जिसमें प्रथम वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्रा, जो कि हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जेएमएन कॉलेज अम्बाला कैंट में। मैडम की बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारे संघर्ष के बाद उपलब्धियां उनकी जो हैं वो निश्चित रूप से किसी भी संस्कृतज्ञ के लिए बड़ा एक गर्व का अनुभव कराने वाली हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिस चल तरह, ठंग आता प्लीज। मैम वो ठीक है, वो आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के उपलब्धियों को स्वीकृति प्रदान करना ये भी हमारा दायित्व है। आपने जो कुछ रिसर्च के नाम पर किया है, जो अभी तक संस्कृत में नहीं हुआ था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे विषयों के लिए 10 लाख के जो यूजीसी से ग्रांट मिली है,
ह्यूमन राइट्स के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर आईसीएसआर से जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिए हैं और जिस तरह का एक प्रायोगिक कर्म किया है, वो तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व की अनुभूति देने वाला है। मैं आपकी प्रशंसा के लिए बात नहीं कह रहा और ना को मुझे मिथ्या भाषण करने की आवश्यकता है, लेकिन सचमुच इस तरह का कार्य करने वाला, कम से कम इधर नॉर्थ इंडिया में अप्लाइड अर्थों में काम करने वाला तो कोई मुझे अभी दिखाई नहीं देता। और अभी पीछे जो है वो कंप्यूटेशनल संस्कृत के ऊपर 15 दिन की जो वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं संस्कृतज्ञों के लिए उन्होंने खोली हैं, उसके लिए वो निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र हैं। हमारे जो आज की दूसरी मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, जो फॉर्मर हेड रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में, उनकी सदाशयता हमेशा हमारे लिए रही है। हमारे निवेदन पर वो अपनी कृपा हमारे पर हमेशा करती रही हैं, बिना कभी किसी भी नानुच के उन्होंने हमेशा हमें उपकृत किया है अपने ज्ञान के द्वारा। और निश्चित रूप से उनका ज्ञान की मैं ये प्रशंसा करना चाहूँगा और इसकी स्वीकृति प्रदान करना चाहता हूँ कि जितना ठोस वो कार्य करती हैं, जितना प्रामाणिक वो लिखती और बोलती हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक आदर्श का रूप है कि अगर हम इस तरह से काश्मीर शैव दर्शन के इतिहास को, दर्शन को, विचार को, साहित्य को प्रस्तुत करें तो वो कितना प्रामाणिक रूप से आने वाली जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा, मूल्यवान होगा, ये आप उनके वक्तव्य से समझ पाएंगे। हमने पहले भी उनसे कई बार उनकी बात सुनी है और निश्चित रूप से हर बार नया पक्ष वो उभार कर लाती हैं, रिसर्च करके लाती हैं। अपने आप में प्रमाणिक होना मुझे लगता है कि संस्कृत जगत में बहुत मूल्यवान बात है। तो आज प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी का द्वितीय वक्तव्य हमारे लिए रहेगा और उसके बाद आप सब लोगों की चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित है। जो भी आपके प्रश्न होंगे, टिप्पणियां होंगी या आपका अपना विचार होगा, वो आप हम सभी के साथ साझा कर सकते हैं। तो इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर राजेंद्रा जी से कहूँ कि वो अपनी बात आरंभ करें, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है, तो आप सब की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, हम उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से उनकी कृपा बनी रहे, उनका ज्ञान हमारा मार्गदर्शक रहे गुरु नानक देव जी का, तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करके मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्रा जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें और उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम आरंभ करें। सभी विद्युत जनों को मेरा सादर नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहती हूँ आशुतोष जी को कि उन्होंने 30 साल के बाद मुझे वापिस ये प्रत्याभिज्ञा हृदय और स्पंद निर्णय पढ़ने का मौका वापिस दे दिया। अगर ये थोड़ा, मुझे कई बार लगता है कि हमें थोड़ा पहले शायद इस तरफ जाना चाहिए था। चलो, समय अपने हिसाब से चलता है। और सर महान दार्शनिक और आचार्य अभिनव गुप्त के अन्यतम शिष्य है क्षेमराज, जिनका समय लगभग 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ये संगोष्ठी है। इस अवसर पर उनके जयंती के उपलक्ष्य में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। अब जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि गुरु नानक देव जी का भी आज जन्मोत्सव है, प्रकाश पर्व है, उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, जो हम लोगों के लिए बड़े एक महत्वपूर्ण त्योहार है, कहना चाहिए पर्व है, तो वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं इसमें, उसके लिए भी मैं सबको बड़ा हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब विषय पर आते हैं। सर ने विषय तो रखा था शब्दावली और विचार की मीमांसा 21वीं शताब्दी में, पर मैं थोड़ा सामान्य ही इसमें कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा गूढ़ ये विषय है। और मैडम बीना अग्रवाल, बीना जी के सामने मुझे लगता नहीं कि उतना कुछ कहेंगे कि मुझे वो है, सामर्थ्य है मेरी। क्षेमराज जी जो हैं वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, ये तो हम सभी जानते हैं। तंत्र, योग, काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र, इनके ऊपर उनका अद्भुत रचनाएं और काव्य
और समीक्षाएं देखी जा सकती हैं। एक चीज जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि जब उन्होंने प्रत्यभिज्ञा का रचना की तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, हो सकता है ना भी हो, ऐसा ना हो, शायद ये गलत भी हो सकता है, कि जो स्थान प्रत्यभिज्ञा का ग्रीक साहित्य में है वही स्थान शायद वेदांत में, वेदांत दर्शन में वेदांत सार का है। जैसे हम जब MA या BA फाइनल में पढ़ते थे ऑनर्स में तो वेदांत सार पुस्तक थी, उस समय दर्शन का ज्ञान इतना नहीं होता था, लेकिन वेदांत सार को पढ़ते ही वेदांत दर्शन की काफी जो चीजें थी वो समझ में आ जाती थी। उसी तरह से जिस पाठक को शायद गहन ज्ञान ना हो त्रिक दर्शन का, यदि वो प्रत्यभिज्ञा हृदयम को थोड़ा सा भी हृदयंगम करता है, पढ़ता है, तो उसको त्रिक दर्शन थोड़ा आसानी से समझ आ सकता है। ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, मुझे लगता है शायद ये ठीक है या नहीं, ये मैडम इस पे विचार करेंगे। और सर, स्पंद संदोह, स्पंद निर्णय, स्वच्छंदो द्योत, नेत्रो द्योत, विज्ञान भैरव द्योत, ये शिव सूत्र विमर्शिनी टीका, स्तव चिंतामणि, परा प्रवेशिका और तत्व संदोह इत्यादि, ये जो क्षेमराज जी के ग्रंथ हैं, इनको सब तो देखो मैंने ईमानदारी से बताऊं मैंने नहीं पढ़े, और जैसे मैंने कहा कि 30 वर्षों के बाद मैंने वापिस इस विषय को उठाया, हाँ, किंतु स्पंद, उनके क्षेमराज जी के स्पंद निर्णय और स्पंद उद्योत मैंने इसलिए पढ़े कि मेरा जो MPhil का विषय था वो स्पंद कालिका के ऊपर था, तो इसलिए मैंने उस समय वो पढ़े थे। परा प्रवेशिका को भी मैंने थोड़ा अपना PhD के समय में देखा था। अब शब्दावली की जहां तक बात है सर, स्पंद शब्द ही अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द भी है, और यस्य उन्मेष मीषाभ्याम, जब हम बात करते हैं विमर्श की भी, तो ये इस तरह के शब्द हैं जो एक प्रकाश और विमर्श शक्ति का विवेचन जो स्पंद निर्णय में किया गया है उससे ऐसा लगता है, खासकर विमर्श शक्ति के विवेचन से, कि व्यक्ति को जो चेतना अभिभूत हो जाता है व्यक्ति, और जब वो ये कहते हैं उद्यमो भैरव, तो उद्यम जो है वो उन्मंजन रूप ही है, और जिसका अभिप्राय, जिसका मेरे ख्याल से ये होता ही है कि अचानक जो चेतना का आगम है अनायास, जिसमें योगी को, जिसको हम कहते हैं नो बर्डन नो एग्जर्शन, अचानक ही योगी को इस तरह से मुक्ति का आभास होने लग जाता है, जो अन्य दर्शनों में इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि होता है। जो साधक के लिए जो सबसे मुझे लगता है जो आसान है यदि देखा जाए, तो वो क्षेमराज के अंगुकूल चल कर, उनके उनको समझ कर, उनको हृदयंगम करके उस साधना को और उस आनंद को, उस जिसको हम मोक्ष कहते हैं, यहाँ तो मोक्ष की वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है शायद, लेकिन उसका जो आभास है वो साधक कर सकता है, और वो उस अवस्था में चला जाता है जहाँ वो खेल खिलाता है। वो खेलता नहीं है सर, उसको खेल खिलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन वो खेल खिलाता है। तो यही मेरे हिसाब से यही समाधि की अवस्था होती है, हालांकि थोड़ा सा शायद अंतर इसमें है, और इसी को हम व्युत्थान भी कहते हैं। जो व्युत्थान है ये भी उनका एक इस तरह का शब्द है, और वो लिखते हैं समाधि व्युत्थान भेद है, समाधि और व्युत्थान में कोई भेद नहीं है। हालांकि यदि हम शब्दों में जाते हैं तो सम्यक आदि और विशिष्ट रूप से उत्थान, थोड़ा सा इसमें हम फर्क कर सकते हैं, बट विशिष्ट रूप से उत्थान तभी होता है जब हम सम्यक आदि समाधि की तरफ जाते हैं, चाहे वो हम खाना बनाने में भी करें, चाहे वो हम चाय बनाने का एक उदाहरण लेते हैं, तो सर यदि हम सम्यक रूप से उसमें ध्यान ना दें तो वो चाय हमारी खराब हो जाती है, और विशिष्ट रूप से उत्थान अगर हम चाय में रहते हैं तो वो भी उसी तरह के अल्टीमेटली वहीं पे जाता है। तो समाधि और व्युत्थान में कोई भेद वो मानते नहीं, और बाद में वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा जो योगी है वो शिव तुल्यो जायते। अब शिव शब्द में भी वो जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिव यदि शक्तिया युक्त, शिव है शक्तिया युक्त यदि भवती, तो वहां पे भी हम शक्ति का प्रकाश और विमर्श और चिति को हम जोड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और एक चीज मुझे और स्पंद कालिका के ये टॉपिक को आपके देख के इच्छा हो गई है कहने की, कि जो वहां पे कहा जाता है तस्मात शब्दार्थ चिंतासु न्याय सा अवस्था ना या शिवा, तो शब्द और अर्थ में वो कोई ऐसी अवस्था ही नहीं मानते जिसमें शिव नहीं है, और भोक्ता एव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थित,
भोक्ता और भोग्य भाव से वहां पे शिव स्थित रहता है। तो सर शिव हो वो भोक्ता भी है, वो कर्ता भी है और वो ज्ञाता भी है। ऐसा ऐसी जो आपने सर ये बात रखी है बहुत अच्छी है कि शेमराज को हम उस दृष्टि में हमें आचार्य शेमराज के विवेचन करना भी चाहिए, और मैडम तो बहुत अच्छे से शायद करेंगे ऐसा मुझे पूरा वो है, क्योंकि मैडम को तो मैंने कई बार सुना है और उनका बहुत अच्छे से इस विषय में बहुत गहरी पकड़ है, और वो बार बार इस तरह का जो आशुतोष जी ये करते हैं सम्मेलन कहना चाहिए, संगोष्ठी कहना चाहिए, उससे ज्ञानवर्धन तो निश्चित रूप से बहुत होता है। जहां तक शक्ति तत्व की अवधारणा है वो सर काश्मीर शैविज्म में बहुत अच्छे ढंग से की गई है, और आचार्य क्षेमराज ने तो आचार्य उत्पल देव की जो शिव स्तोत्रावली है उसकी व्याख्या करते हुए बहुत अच्छी विधि से स्वतंत्र शक्ति की सत्ता पर जो प्रकाश डाला है, यद्यपि वो वेदांत के भ्रम से तो भिन्न है, हम सब जानते हैं परम शिव पूर्ण स्वतंत्र एवं ज्ञान परम शिव से ही प्राप्त होता है, और वो भिन्न इस अर्थ में है कि वहां हम कह देते हैं वो माया से उसका या शक्ति से कुछ भी आप उसको कहें उनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर परम शिव और शिव जो है वो शक्ति के बिना सत्ता में ही नहीं आते, तो इसलिए ये थोड़ा सा अंतर वेदांत से यहाँ पे हो जाता है। दूसरी बात सर मुझे जो आज के संदर्भ में मैं बस एक ये अंतिम बात अपनी कहना चाहती हूँ कि आज के संदर्भ में अगर हम स्वतंत्र शक्ति को देखें जिसको हम वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं, यदि जैसे अभी आपने कहा अप्राइड थोड़ा सा मेरा सर रहता है थोड़ा सा उसको मॉडर्न तरीके से देखने का, तो जो हम अब इस समय वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या नारी स्वतंत्र की बात करते हैं, मैं स्वतंत्र को स्वच्छंदता के अर्थ में बिल्कुल नहीं ले जा रही और उसको गलत सेंस में नहीं, एक अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के लिए जब हम मंगू का उदाहरण देते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते, उसके साथ साथ हम ये जो क्षेमराज का हमारा कंसेप्ट है सर नारी शक्ति मतलब स्वतंत्र शक्ति का प्रकाश का और चिति का और इच्छा शक्ति का, तो वहां पे हम इस वुमेन एम्पावरमेंट को इसके साथ जोड़ के कोई एक रिसर्च या कोई एक प्रोजेक्ट हमें ऐसा करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार, ये आपके टॉपिक के बाद ही आया सर, पहले नहीं था, इसका क्रेडिट आपका ही है कि आपने थोड़ा सा ये स्पंदन जिसको कहते हैं ये मेरे मन में आया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें तो बहुत करते हैं और सर हम वहां पे यही कोट करके चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं शिव शक्तिया या ये कह देते हैं ये तो नागेस्तु पूज्यन्ते, लेकिन जब मैं ये चीज पढ़ रही थी स्वतंत्र शक्ति की आपके इस इन्विटेशन के बाद, तो मुझे उस टाइम ये एहसास हुआ कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेके इस विषय को जरूर जोड़ना चाहिए, ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है जिसको शायद क्योंकि कश्मीरी शैविज्म सर पढ़ाया नहीं जाता अधिक स्थानों पर, कहीं ये विषय नहीं है, एक जगह एक बार मिश्रा जी ने कोशिश की थी अपने यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एमए के सिलेबस में उन्होंने थोड़ा सा एक पोर्शन रखा था, मुझे अब ज्ञात नहीं है वो अब चल रहा है या नहीं, लेकिन कहीं पर भी ये विषय हमारे इधर बहुत कम महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में है, तो हम पाठ्यक्रम के लिए तो हमारे देखो हाथ बंधे हुए हैं, हम शायद हमारे पास इतनी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन यदि हम इसको इस विषय के साथ आधुनिकता के साथ थोड़ा जोड़ें तो शायद हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इन सब दर्शनों को अपने साथ याद रख सकेगी और जोड़ सकेगी, ऐसी मेरी मान्यता है सर। और मेरे से कुछ गलती हो गई हो सर कहने में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में थोड़ा सा आपको अपनी व्यवस्था बताई थी कि सामने एक शादी है तो मुझे उसकी व्यवस्था के लिए थोड़ा जाना है देखने, तो इस विषय इस कारण से मैं इस गाइड वगैरह भी आपको नहीं दे पाई, क्योंकि नेट की व्यवस्था जो है हमने अपनी उनको दे दी तो ये थोड़ा यहाँ से चल नहीं पा रहा था, तो मैं जो भी कुछ मेरे से बंग पड़ा सर कुछ गलत यदि मैंने कह दिया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि गच्छत है स्खलंगम क्वापि भवति एव परमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधते सज्जना, तो आप लोग कुछ इसमें जो अपने टीका टिप्पणी देंगे वो सहर्ष मुझे स्वीकार होगी, और मैं अच्छे से सोच रही हूँ कि मैं इस विषय में कोई एक प्रोजेक्ट की व्यवस्था कर सकी तो जरूर। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम डॉक्टर राजेंद्र जी, और हमारे लिए तो यही उपलब्धि है कि आपको एक नया विचार इसमें सूझा है और इस
स्वातंत्र्य शक्ति का उपयोग जो है वो स्त्री एम्पावरमेंट के अर्थ में अगर आप लेते हैं और उसको प्रोजेक्ट के रूप में लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से सर, ये आपके आपके इनविटेशन के बाद मैंने ये आईसीपीआर को थोड़ा सा एक रूपरेखा सी बना के भेजी है, जी और उसको मैं सोच के थोड़ा डिटेल में भेज दूंगी, ताकि यदि वो जी कोई ग्रांट दे सकेंगे तो इसमें सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं होती सर, थोड़ा ये भी हो जाता है कि एक जिसको कहते हैं ना ब्रांड हो जाता है सर, ठप्पा लग जाता है, तो वो भी जी हो जा जरूर होना जरूर हाँ, वो तो थोड़ा शायद वो अगर इस विषय में कुछ सहायता करेंगे हमारी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, बल्कि इस विषय पे बाद में हम चर्चा करेंगे। हाँ और जी हाँ आप जी सर, चाहेंगे तो मैं व्याकरण की दृष्टि से जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पे आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसमें वो उसमें हमने एक जो है वो मॉडल ड्राफ्ट कर रखा हुआ है, तो वो आपके साथ हम सर, चर्चा बाद ईमानदारी में की कैसे बात ये है करेंगे। कि मैंने बहुत काम किया ऐसे नारी शक्ति पे भी, लेकिन ये क्षेमराज जी का ध्यान मुझे कभी नहीं आया, जबकि मैंने बहुत अच्छे से कश्मीर शैविज्म भी पढ़ा और उस पे पीएचडी भी किया, सब जी कुछ किया, बट मुझे आपके टॉपिक के बाद ये चीज ध्यान में आई। चलिए, चित से चीति ठीक की ओर अग्रसर होते रहें, है ठीक है ना? सर, धन्यवाद तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम आज के मुख्य वक्ता की ओर अग्रसर होते हैं और उनसे हम निवेदन करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी से कि वो आज का जो वक्तव्य है वो हमारे लिए प्रस्तुत करें, हमें दिशा निर्देश दें और इस सारे विषय से अपने वो अपनी दृष्टि से हमें परिचित करवाएं और संभावनाओं से भी हमें अवगत कराएं कि क्या संभावनाएं इसमें और हो सकती हैं। क्योंकि केवल शब्दों को दोहराना, विचारों को दोहराना तो पर्याप्त नहीं होता, हर बार उसमें प्रातिभ दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। तो यही बात है कि वो शब्द जीवंत चेतना का नाम है, शब्द कोई केवल एक भार ढोने का नाम नहीं है कि हम भार ढोते रहें, वो एक जीवन चेतना है। और मैं समझता हूँ कि अब समय है कि हम आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें और उनकी बात को सुनें। प्रोफेसर बीना जी, सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत भूमिका बांधी जा चुकी है, क्षेमराज जी के बारे में बात हो चुकी है, और क्षेमराज प्रत्यभिज्ञा दर्शन के बाद वाले आचार्य हैं। उनसे पहले वसुगुप्त ने शिव सूत्र उनको स्वप्न में दिखाई दिए थे। मतलब हमारे यहाँ जो आगम ग्रंथ या वेद को या इनको अपौरुषेय मानने की जो बात है, तो शिव सूत्रों को हम ये नहीं कहते कि इनकी रचना वसुगुप्त ने की। शिव सूत्र वसुगुप्त को प्रकट हुए, सोमानंद ने शिव दृष्टि लिखी, उत्पलाचार्य ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका, सिद्धि त्रयी आदि, अजर प्रमात्रि सिद्धि आदि लिखी, अभिनव गुप्त ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा पर विमर्शिनी, विवृत्ति विमर्शिनी लिखी, तंत्रालोक, बहुत सारे ग्रंथ अभिनव गुप्त ने लिखे, और इनके इन सब ग्रंथों के माध्यम से काश्मीर शैव दर्शन का एक बड़ा भव्य महल खड़ा हो गया। एक आतान वितान इस तरह का था जिसमें सामान्य बुद्धि जन प्रवेश नहीं कर सकता था। सुकुमार मति जो व्यक्ति है, जिसकी जानकारी के लिए मतलब जिसे इतना विशाल ज्ञान नहीं चाहिए भी नहीं, और क्षमता भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो उसके बाद जो अभिनव गुप्त के शिष्य भी माने जाते हैं, तंत्रालोक में अभिनव गुप्त ने क्षेम गुप्त करके जिनका उल्लेख किया है, कुछ लोग मानते हैं कि वह क्षेमराज है, इसके बारे में अलग मत हो सकते हैं, हम नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की टीकाएं की, और टीकाओं से ज्यादा उन्होंने जो सरल ग्रंथ लिखा प्रत्यभिज्ञा हृदयम, वह इतना सूत्रात्मक, और जिसे हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, जो आसानी से सिद्धांतों की जानकारी दे देता है, शास्त्रीय मतलब शास्त्र को छोड़कर शास्त्र के एक संबंध होता हुआ समस्त सिद्धांतों की जानकारी देने वाला प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। तो उस तरह का यह सूत्रात्मक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इनकी जो स्वतंत्र रचनाएं हैं, प्रावेशिका और तत्व संदोह, इनकी ये तीन इनकी स्वतंत्र रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने टीकाएं लिखी हैं स्पंद के बारे में, स्पंद संदोह, स्पंद निर्णय,
स्वच्छंद तंत्र पे लिखी है, उद्योत नेत्र तंत्र पे उद्योत नाम से, विज्ञान भैरव पे उद्योत नाम से टीका लिखी है, शिव सूत्र पर विमर्शिनी लिखी है और भट्ट नारायण के स्तव चिंतामणि पर टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इनका एक भैरवानुकरण स्तोत्र के नाम से भी परिचय मिलता है, वह उपलब्ध मुझे नहीं हो पाया, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनके नाम से वह भी एक रचना मिलती है। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात जो है कि ये बहुत सरल शब्दों में इन्होंने प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शन के सिद्धांतों की जानकारी दी है। उस जानकारी से कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक बात मैं और कहूंगी, हमारा यह जो टॉपिक है इसमें हमने दिया है 21वीं शताब्दी में आचार्य क्षेमराज की शब्दावली एवं विचार की मीमांसा। मैं 21वीं शताब्दी पर भी बात करना चाहूंगी क्योंकि आज जो भौतिकवाद, उपभोक्तावाद, संकीर्ण मानसिकता इतनी अधिक प्रचलित है कि हम लोग दर्शन को, आज आप दर्शन को सर्वव्यापी, व्यापक नहीं बना सकते। हमारे पास बहुत कम श्रोता होते हैं, बहुत कम वक्ता होते हैं, और जिस तरह से मार्केटिंग चलती है, जिस तरह से विज्ञापनवाद का जमाना है, उपभोगवाद का जमाना है, तकनीक का जमाना है, व्यक्ति परेशान है, पर्यावरण को महत्व नहीं दे रहा है, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इन परेशानियों का इलाज अगर हम, जो कुछ लंबे समय तक चले, सस्टेनेबल है, तो वह हम दर्शन में ढूंढ सकते हैं। दर्शन दूसरे दर्शन भी हो सकते हैं और शैव दर्शन क्यों, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सामाजिक दृष्टि, संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, एकाकी परिवार आ गए, और अब इस कोरोना काल ने तो व्यक्ति को बिल्कुल एकाकी कर दिया। पहला जो भी सामाजिक हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, कुछ सुख दुख का आदान प्रदान होता था, वह भी खत्म हो गया। अब तो हम केवल इंटरनेट के भरोसे हो गए। इंटरनेट और हमारा जो छोटा सा घर है उसमें जो हम अच्छा बुरा देखते हैं वही सीखता है हमारा बच्चा। तो दशा ज्यादा खराब है 21वीं शताब्दी में। तो उस दृष्टि से बहुत आवश्यक है कि हम दर्शन की ओर जाएं, और दर्शन में भी क्षेमराज का दर्शन क्यों अधिक उपयोगी है, या ईश्वर हमारा जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है वह उपयोगी है अन्य दर्शनों के मुकाबले, और क्षेमराज कितनी सरलता से अपनी, उनकी शब्दावली की बात कही, शब्दों के पार्थिव शाश्वत और चिन्मय स्तर की जो बात आपने कही वह बहुत महत्वपूर्ण है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे प्रत्यभिज्ञा में जब ये कहते हैं तद भूमिका सर्व दर्शन स्थितयः, ये वैसे दर्शनों की खंडन मंडन की परंपरा है। जब तक हम हमारी बात कहते ही तब है जब हम काल्पनिक रूप से दूसरे दर्शन की बात प्रस्तुत कर देते हैं अपनी शब्दावली में, और फिर उसके खंडन करते हुए हमारा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये काश्मीर शैव दर्शन की विशेषता है कि इनके आचार्यों ने प्रायः ऐसा कोई खंडन मंडन की शब्दावली में बात नहीं की है। ये सोपान परंपरा की बात करते हैं, ये सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हुए हैं, कुछ लोग हो सकता है हमसे नीचे खड़े हुए हैं, वो हमारी तरफ आ सकते हैं। और लिंगोद्धार दीक्षा की बात इस दर्शन में कही है कि जिसने दूसरे दर्शन में प्रवेश ले लिया है, दूसरे किसी तंत्र में, संप्रदाय में, वह भी चाहे तो हमें स्वीकार कर सकता है। तो तद भूमिका सर्व दर्शन स्थित है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि 21वीं शताब्दी में कुछ लोग जैसे भौतिकवादी हैं, वो चार्वाक दर्शन के समान हो सकते हैं। सर्वेशां चार्वाक आदि सिद्धांता नाम स्थित सिद्धांता तस्य एतस्य आत्मनो नटस्य स्वेच्छावगृहीता कृत्रिमा भूमिका। ये शिवराज कहते हैं कि ये जो चार्वाक आदि अन्य जो दर्शन हैं उनके जो सिद्धांत हैं, वे सिद्धांत कोई ऐसे नहीं है कि वो प्रतिपक्षी के हैं, प्रतिद्वंद्वी के हैं। वह जो हमारी आत्मा रूपी नट है, नट रूपी आत्मा है, उसने जब, जैसे नट अलग अलग भूमिकाएं ग्रहण कर लेता है, कभी किसी अन्य रूप में है, तो व्यक्ति एक ही है, कभी राजा के रूप में आ गया, कभी राज के रूप में आ गया, कभी सेवक, कभी भिखारी के रूप में आ गया, उस तरह
तरह से वह जो चैतन्य आत्मा है उसने अपनी स्वेच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह अपनी इच्छा से जैसी चाहे वैसी भूमिका ग्रहण कर लेता है। जैसे चार्वाक मानते हैं चैतन्य विशिष्टम शरीरम आत्मा, चैतन्य से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, वही शरीर जो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और किसी प्रमाण को नहीं मानते, और जो शरीर है वो, और वो मानते हैं मरणांतम मोक्ष मृत्यु भी अपवर्ग जो है वह यह नहीं है, और बहुत सी बातें वो कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यक्ष को मानता है, जो दिखाई दे रहा है भौतिकवाद को मानता है, वो भी गलत नहीं है। और हम यहाँ से शुरू करके आगे जा सकते हैं। न्याय वैशेषिक मानते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, वे ज्ञान के आधार को आत्मा मानते हैं। इसके अतिरिक्त मीमांसक अहम प्रतीति को, बुद्धि को आत्मा मानते हैं। तो और इस तरह से ये एक बहुत अच्छी कारिका ये भी है, बुद्धि तत्वे स्थिता बौद्धा गुणेशु एव अर्हता स्थिता स्थिता वेद विदः पुंसी अव्यक्ते पांचरात्रि का। जैसे सांख्य दर्शन है वह पुरुष के रूप में चेतन तत्व को आत्मा मानता है, बौद्ध दर्शन जो है वह बुद्धि तत्व तक सीमित रह जाते हैं, आर्हत जैन तत्व जो है वो गुणों तक सीमित रह जाते हैं, वैदिक दर्शन जो है वह पुरुष तक रह जाते हैं, और पांचरात्र जो है वो अव्यक्त तक। कहने का मतलब ये है, और ये जो हमारी पंच कोश की अवधारणा है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो ये क्रम है भौतिकता से चिन्मयता की ओर जाने का। हमारा शरीर जो है वह अन्नमय कोश है, उसके बाद प्राण आता है जो हम श्वास प्रश्वास लेते रहते हैं, उसके बाद हमारा मन आता है जो हम इमोशनल लेवल पर होते हैं, उसके बाद विज्ञान बुद्धि इंटेलेक्चुअल लेवल आता है, उसके बाद चिति का लेवल आता है आनंदमय कोश जो चिति है। तो इस तरह से आधुनिक विज्ञान के साथ संबद्ध करके, आधुनिक दृष्टिकोण के साथ संबद्ध करके, हम 21वीं शताब्दी के युवाओं को दर्शन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। वह अगर दर्शन दर्शन क्या करता है, वह भी दर्शन कैसे सबको एक सूत्र में, संपूर्ण संसार को जड़ अजड़ सभी को एक सूत्र में बांध देता है। और वो जो पर्यावरण प्रेम के लिए हम अलग से प्रेरित करते रहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करने के लिए कहते हैं, और सहानुभूति परोपकार आदि भावनाएं विकसित करने के लिए, तो अगर हम दर्शन की भूमि पर सबको स्थित करें, सबको खड़ा करें, तो ये सारी समस्याएं और ये सारी बातें स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। और 21वीं शताब्दी शब्द पर मेरा ध्यान गया तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर भी बात करूं। और जैसे इनकी क्षेमराज जी की शब्दावली की बात है, तो इनके जो प्रत्यभिज्ञा हृदय के कारिकाएं हैं, कारिका नाम दिया है, मुझे तो यह सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ दिखता है, क्योंकि सूत्र है जिसमें प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इनका अकेला सूत्र है, चिति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, यह अपने आप में पर्याप्त है, कुछ और मत पढ़िए। जैसे गांधी जी ने कह दिया था, ईशावास्य उपनिषद की प्रथम पंक्ति ही पर्याप्त है, अगर संसार का साहित्य मिट जाए लेकिन यह बचा रहे तो सब कुछ बचा रहेगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाली अवधारणा बहुत आवश्यक है, और आज के युग में और भी आवश्यक हो गई है, क्योंकि हम भोग तो चाहते हैं लेकिन हम त्याग के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपनी पीढ़ी को त्याग के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, त्याग पूर्वक भोग की एक परंपरा विकसित करनी पड़ेगी। और जो चिति है वो, ये हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि वन कॉन्शियसनेस इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जो संपूर्ण संसार में फैली हुई है। और इसके लिए ये हम ये नहीं कह रहे, कभी भी नहीं कह रहे कि जो जड़ पदार्थ हैं, जो पत्थर हैं, जो अन्य जड़ पदार्थ जिन्हें हम जानते हैं, पार्थिव हैं, या जो वनस्पति है, या जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनमें तो चेतना का हम अनुभव करते हैं, लेकिन जड़ और वनस्पति में कई बार हम थोड़े से निर्मम हो जाते हैं, लेकिन वे सब एक ही चैतन्य के सूत्र में आबद्ध हैं। चिति का प्रकाश जो है उसमें थोड़ा कम है, उनमें विमर्श की सामर्थ्य कम है, इसलिए वे जड़ कहलाते हैं। जैसा कि हम काश्मीर शैव दर्शन में जानते हैं, पढ़ाते हैं, सब जानते हैं, सत्ता मात्र, जब हम प्रकाश की अस्थि की बात करते हैं, हमारा जो चेतन तत्व है, परम तत्व है, वह अस्थि और भाति है। भाति में विमर्श आता है, जिसे अपने होने की चेतना होती है, सेल्फ
अवेयरनेस, बीइंग का सेल्फ अवेयरनेस जो है वह जड़ पदार्थों में कम होती है, इसलिए हम उन्हें जड़ कह देते हैं। और यह जो है, यह तो अपने आप में, यह जो चित्त स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, यह तो मंत्रात्मक है, इसका एक एक पद मंत्र के समान है। और जैसा कि कहा भी गया है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। इस अकेले सूत्र को ही हम सिद्ध कर ले, इस अकेले सूत्र के एक एक पद को ही, जिस तरह से ये बात व्याकरण को की कही गई है, लेकिन वाकई ऐसा है कि अगर हम एक शब्द का, जो शब्दावली मीमांसा की विचार की बात आप कह रहे हैं, तो एक शब्द के सभी पक्षों को हम समझ लें, तो वह अपने आप में स्वर्गे लोके च, इस लोक में और परलोक में कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। जैसे चिति है, चिति अपने आप में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा है, और न केवल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, यह संपूर्ण संसार में सभी में व्याप्त है, सभी को एक सूत्र में बांधने वाली है, प्रकाश विमर्शमय है, बीइंग है, सेल्फ अवेयरनेस है। और स्वतंत्रा जो है, स्वातंत्र की बात अभी हुई, वो जो बात हुई उसके बारे में मैं बाद में बात कहूंगी। स्वतंत्र क्या है? अनन्य मुख प्रेक्षितत्व, स्वतंत्र, हम किसी अन्य की अपेक्षा न रखें, निरपेक्ष हो जाएं। और अगर हमने अपने आप में निरपेक्षिता का भाव पर विकसित कर लिया, ऐसा नहीं है, जीवन व्यतीत करने के लिए तो हमें एक दूसरे की अपेक्षा, साधनों की अपेक्षा सब है, लेकिन अपेक्षाओं को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो हम कष्ट में आ जाते हैं। और इसलिए हम अगर अपने साथ, आसपास के माहौल से और इससे जितना निरपेक्ष भाव अगर हमने कर लिया, स्वातंत्र्य हमारा उतना ही विकसित हो जाएगा, अपने पर आश्रय आश्रित हम हो जाएंगे, तो हम आनंद, जो हम चिति को आनंद या अंतिम आनंद को, जो स्वचिति है, स्वातंत्र्य है, आनंद है, और इस तरह के जो शब्द हैं जो यहाँ पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वह इसी तरह से घटित हो सकेंगे। और विश्व विश्व में यह संपूर्ण संसार आ ही जाता है, सदाशिव से लेके भूमि पर्यंत, समस्त और भूमि के बाद नानाविध जगत जो है, यह सब विश्व में है। इसकी सिद्धि स्वतंत्र चैतन्य, चैतन्य जो प्रकाश विमर्शमय है, जो अपने होने के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, अपने द्वारा संपूर्ण संसार को के प्रकटीकरण या आभासन के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, ऐसा जो है वह विश्व की सिद्धि का हेतु है। क्योंकि जो इन्होंने कहा है, अन्यस्य तु माया प्रकृत्यादे चित् प्रकाश अभिन्नस्य अप्रकाशमानत्वेन असत्वात् न क्वचिदपि हेतुत्वम्। जो माया प्रकृति आदि अन्य दर्शन, जो तद भूमि का सर्वदर्शन स्थित है, यह की बात कही है, जो निम्न भूमिकाओं पर स्थित है, निम्न सोपानों पर स्थित है, ये जो माया प्रकृति आदि की जब बात करते हैं, क्योंकि वे क्या है, चित प्रकाश से भिन्न नहीं है, और अगर चित प्रकाश से भिन्न हो जाती है तो उनमें कोई स्वयं प्रकाश नहीं, मतलब वो अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकती। माया प्रकृति आदि, उनको अपने एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, बताने के लिए चित प्रकाश की आवश्यकता है, ये हम जानते हैं, चाहे ब्रह्म है चाहे पुरुष है, चैतन्य से प्रकाशित होकर ही माया और प्रकृति कोई भी काम कर सकती है। इसलिए जो दूसरे पर आश्रित है वो किसी और को सहारा कैसे देगा, उनका हेतुत्व बनता ही नहीं है, वो कारण नहीं बन सकती। प्रकाश मानत्वे तु प्रकाश एकात्म्यात् प्रकाश रूपा चितिरेव हेतु। इसलिए केवल चिति ही कारण बन सकती है, क्योंकि वो प्रकाशमान है, सूरज औरों को प्रकाश दे सकता है। सारा जो प्रकाश हमें सांसारिक प्रकाश मिलता है वो सूरज की कृपा से, आज सूरज नहीं हो तो हम नहीं सोच सकते, जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से प्रकाश रूपा चिति वही कारण है, और इसीलिए जो दूसरे, अब आप अगर कोई कहे कि आप तो प्रकाश, हम तो नहीं मानते, हम तो तभी मानेंगे जब आप इसे प्रमाणित करके बताएं कि सूरज है, सूरज है को प्रमाणित करने के लिए हम टॉर्च लेकर नहीं जा सकते। इसी तरह से जो हमारा चैतन्य है, चिति है, मैं हूं, इसको प्रकाशित करने के लिए मुझे दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और यही बात इन्होंने कही है, बहुत अच्छी तरह से पराप्रावेशिका में कही है, किम च प्रमाणम अपि यम आश्रित्य प्रमाणम भवति
तस्य प्रमाणस्य तद अधीन शरीर प्राण नील सुखादि वेद्यम चातिशय्य सदा भासमानस्य वेदकैक रूपस्य सर्व प्रमिति भाज सिद्धौ अभिनव अर्थ प्रकाशस्य प्रमाण वराकस्य कश्च उपयोग। ये जो प्रमाण है जिसको आश्रय, जैसे दीपक है या चंद्रमा का जो है प्रकाश, वो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है और चंद्रमा अपने आप को समझने लगे या हम जैसे चंद्रमा को समझने लगते हैं कि भाई रात को चंद्रमा काफी है हमारे लिए, लेकिन चंद्रमा सूरज को प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्रमा के द्वारा हम कहें कि तुम सूरज को रास्ता बता दो तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यह आश्रित प्रमाणम भवति। ये सारे प्रमाण जिस चिति शक्ति को, जो चैतन्य है, जो ज्ञान रूप चैतन्य है, उसको आश्रित आश्रय करके प्रमाण बनते हैं और वे स्वयं शरीर प्राण आदि पर आश्रित हैं। तो उन सब से आगे बढ़कर, उन सब का अतिक्रमण करके सदा भासमान से, जो सदैव प्रकाशित है, वेदकैक रूपस्य, जो ज्ञाता के रूप में विद्यमान है, सर्व प्रमिति भाजः, सभी प्रमाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उस जो स्वतः सिद्ध है, उसको नए नए छोटे मोटे अर्थों को प्रकाशित करने वाले जुगनू के समान, सूर्य के सामने जुगनू के समान प्रमाण वराकस्य। इनकी भाषा की विशेषता देखिए, इन्होंने प्रमाण के साथ वराक शब्द का प्रयोग किया है। बेचारा प्रमाण कश्च उपयोग, उसका क्या उपयोग हो सकता है। और ये प्रयोग इन्होंने अन्यत्र भी किया है, शिव सूत्र विमर्शनी में, प्रत्यभिज्ञा हृदय में भी ये प्रयोग किया है। तो इस तरह से कुल मिला के बात जो है कि भाषा अपने आप में इतनी समर्थ है इनकी, और इतने सरल शब्दों में ये प्रकाशित करते हैं कि ये जो सामान्य मति वाला व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि जन है, जैसा कि इन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा की थी, जिसमें हम कहते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय बता दिए जाने चाहते हैं। तो इन्होंने अधिकारी के विषय में बताया है, इह ये सुकुमार मतयो अकृत तीक्ष्ण तर्क शास्त्र परिश्रमा शक्ति पातोन्मिषित पारमेश्वर समावेशाभिलाषिणः कतिचित भक्ति भाजः तेषाम ईश्वर प्रत्यभिज्ञ उपदेश तत्वम मना उन्मील्यते। तो यहाँ जो सुकुमार मति है, जो तीक्ष्ण तर्क शास्त्र में अकृत परिश्रमा है, अधिक परिश्रम नहीं कर सकते, तर्क शास्त्र आदि में जो मेहनत कर नहीं, क्षमता नहीं है या चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर परमेश्वर का शक्तिपात हुआ है। शक्तिपात उन्मिषित मतलब आपकी प्रेरणा कैसे होगी कि हम दर्शन पढ़ें, दर्शन को जानते नहीं, दर्शन के बारे में सोचते नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा है, कभी कभी अपने आप ही बैठे बैठे ख्याल आ जाता है। जैसे हम लोग अन्य लोगों के बीच में चर्चा करें तो हो सकता है लोग हमें मना कर दें कि नहीं भाई, ये तो सब ऊपर ऊपर की बातें, हमारे तो सिर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन अगर हम दो चार बार चर्चा करते रहें संस्कृतेतर दर्शनेतर व्यक्तियों के बीच में, तो संभावना है कि कभी उनमें से किसी पर शक्तिपात, किसी को क्लिक हो जाए, जैसे क्लिक होना कहते हैं, या शक्तिपात है। शक्तिपात से हो सकता है उनके मन में ये जिज्ञासा जाग जाए कि हाँ हम भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्या है भाई आपका शव दर्शन, क्या चीज है, क्या बताता है, बताइए तो सही जरा। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रत्यभिज्ञा हृदय उनको बता सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इनिशियल ग्रंथ है, इनिशियल शैली में लिखा गया है। जो ज्ञानी है उसमें वो उसको गंभीरता भी बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे, उसमें गंभीरता भी बहुत है, लेकिन जो प्रारंभिक अध्येता हैं वे भी उसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और ये इनका उनका स्वयं का कहना है कि तेषाम ईश्वर प्रत्यभिज्ञा उपदेश तत्व मनाक, थोड़ा सा किंचित मात्र उन्मील्यते प्रकट कर रहा, उद्घाटित कर रहा हूं मैं, पहले से जो विद्यमान है, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा, नया लिख ही नहीं सकता, प्रकाशित ही नहीं कर सकता। मतलब यह जो दर्शन है इसमें तो जो कुछ है प्रकाश है, या उस विमर्श है या प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा है, हम जो कर रहे हैं उस पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई नया ज्ञान नहीं दे सकते, कुछ नया कुछ नहीं कर सकते, हम जो कुछ कर सकते हैं वह उस प्रकाश को सामने ला सकते हैं, प्रकाश पर पड़े हुए पर्दे को हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो प्रत्यभिज्ञा हृदयम के प्रारंभ में जो प्रतिज्ञा की थी, जो सुकुमार मति
बुद्धि जनों के लिए कि मैं इनको ईश्वर प्रत्यभिज्ञा का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कर रहा हूं। तो अंत में भी वो यही बात कहते हैं कि जो ये लोग हैं, मतलब पूरा एक चक्कर है, देह प्राण सुखादि भी प्रतिकलम संरुद्ध मानो जन पूर्णानंद घनम इमाम न चिन्हते माहेश्वरीम स्वाम चित्ते। मैं थोड़ा थोड़ा बोलती जाऊंगी और उसका अर्थ करती जाऊंगी। जो हम क्या है, हम सामान्य जन जो है देह प्राण सुखादि में ही प्रतिक्षण उलझे हुए हैं। हमें शरीर की चिंता, सुंदर दिखने की चिंता है, फिर तबीयत ठीक रहे इस बात की चिंता है, फिर सुख दुख अच्छे से अच्छा में सब कुछ अच्छा मिलता रहे इस बात की चिंता है। तो हमारा जो सामान्य जन है, सभी व्यक्ति निरंतर देह प्राण सुख आदि के लेवल पर ही अटके हुए हैं, और इसलिए वे जो स्वाम माहेश्वरीम पूर्णानंद घनाम इमाम चितिम न चिनुते, जो हमारी स्वयं की चिति है, चैतन्य शक्ति है, कॉन्शियसनेस है, जो पूर्णानंद घन है, पूर्ण आनंद और घनता उसके सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसी माहेश्वरी महेश्वर से निरंतर आती आ रही है हम तक, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, ऐसी चितिम न चिनुते, उसका हम चयन नहीं करते हैं, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम अपने देह प्राण आदि के स्तर पर ही अटके हुए हैं। मध्ये बोध सुधाब्धि विश्वम अभितः सत्वेन पिंडोपमं यः पश्येत उपदेशतस्तु कथितः साक्षात् स एव शिवः। अब हम लोगों में से, जैसे मैंने कहा कि हम निरंतर अगर बातचीत करते रहें तो कभी किसी क्षण किसी को क्लिक हो सकता है। तो यह जो बोध सुधाब्धि है, ज्ञान के अमृत से भरा हुआ सागर है, विश्वम अभितः, जो चारों ओर जो भरा विश्व है हमारे, वह उस सुदाब्धि के फेन पिंडोपम, फेन सागर के ऊपर जो झाग आ जाते हैं उन्हें फेन कहते हैं, उसकी तरह से यह पश्येद उपदेश तस्तु। अगर हम इस संसार को, इस संसार में लीन होने के बजाय, सागर में भीतर घुसने के बजाय, इस संसार के फेन की तरह से, सागर के फेन की तरह से संसार को व्यर्थ मान ले, फेन की कोई उपयोगिता नहीं है, तो उपदेशतः, उपदेश के माध्यम से ही सही हम इसे फेन की तरह समझ ले, तो स साक्षात एव शिवः, वह साक्षात शिव रूपता को का ज्ञान प्राप्त या शिव रूपता को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए कहा है, येषां वृत्तः शांकर शक्ति पातो ये अनभ्यासा तीक्ष्ण युक्तिषु अयोग्या शक्ता ज्ञातुं नेश्वर प्रत्यभिज्ञाम् उक्तस्तेषां एष तत्वोपदेशः। और ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरा यह तत्वोपदेश, तत्वोपदेश ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मैंने कहा है। ये जो शंकर शक्तिपात, जिनके ऊपर ईश्वर की थोड़ी सी कृपा हुई है कि वो इसको सुनने के लिए तैयार है, वरना तो कोई सुनेगा भी नहीं, जो सुनना चाहेगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, और जो अनभ्यास, मेहनत नहीं करना चाहते, तीक्ष्ण युक्तिषु अयोग्या, वो तर्क शास्त्र आदि के जो तीक्ष्ण प्रहार होते हैं, तीक्ष्ण तर्क आदि में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जो अयोग्य है, वे ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के द्वारा इस तत्व का उपदेश जो मैंने दिया है उससे शिव साक्षात्कार करने में समर्थ होंगे। तो ये शेमराज की विशेषता है कि प्रारंभ में उन्होंने कहा कि सुकुमार मति जो हैं, जो तर्क शास्त्र में परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वे इस ग्रंथ को पढ़ें, और अंत में जैसे फलश्रुति कहा जाता है, यह फलश्रुति के समान है कि मैं आशा करता हूं कि अगर उन लोगों ने ये पढ़ा है या ये पढ़ सकते हैं या ये पढ़ रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से तत्व ज्ञान की, अपनी शिव रूपता का साक्षात्कार हो सकेगा, होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही बात इन्होंने जो शिव सूत्र है उसी में अच्छी तरह से बताई, कैसे ऊपर से नीचे चिति उतरती है, और कैसे शिव सूत्र के अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञा में भी और शिव सूत्र विमर्शिनी में भी, दोनों में भी हम ये जानना तो चाहते हैं ना कि वही चिति है,
वह जो एक कॉस्मिक चिति है और हम हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों एक हैं, तो एक कैसे हैं? कुछ समझा दीजिए। तो वे समझा रहे हैं कि जो चिति है वह अपने चेतन पद से, अपने जैसे कोई ऊपर है, जैसे सोपान परंपरा की बात हुई, तो वो धीरे धीरे नीचे उतरती है, और जब वह नीचे उतरती है तो वह चित्त बन जाती है। चितिरेव चेतन पदार्थ अवरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्ता। उसका वह जो चैत्य है उसका संकोच कर लेती है, और संकोच के लिए षट कंचुक आपको मालूम ही है, माया विद्या कला राग काल और नियति, इनके द्वारा स्वयं को आबद्ध कर लेती है, और फिर वह संकुचित चित्त के माध्यम से प्रकाशित होती है। और ये जो माया विद्या कला राग काल नियति क्या करते हैं, ये भी सभी को मालूम है कि माया जो है वह अभेद में भेद का आभासन करती है, कला किंचित कर्तृत्व करती है, और विद्या किंचित ज्ञातृत्व देती है, काल आपको समय से बांध देता है, राग आपको विषयों में अनुरक्त कर देता है। इस तरह से ये जो है, जो सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व सर्वव्यापकत्व से संपन्न चिति थी, वह चिति अब अल्पज्ञ अल्पकर्तृत्व संपन्न देश काल से संकुचित हो जाती है, और वह कहलाती है चित्त। आप देखेंगे शिव सूत्रों में जब कहा है, एक दो सूत्र अलग अलग मिल जाते हैं, अलग अलग अध्याय में मिल जाते हैं। पहले अध्याय में है चैतन्यम आत्मा, और तीसरे अध्याय में है चित्तम आत्मा। दोनों ही अध्याय के पहले सूत्र हैं। तो कंफ्यूजन होता है, एक ही आत्मा को जब ये चैतन्यम आत्मा भी कह रहे हैं, चित्तम आत्मा भी कह रहे हैं, तो हम कैसे समझें? इसीलिए यहाँ इनकी विमर्शनी भी सहायता करती है। जो चैतन्यम आत्मा जब कहा है तो वह पारमार्थिक स्तर पर कहा है, वह चिति के स्तर पर कहा है। यतः चैतन्यम विश्वस्य स्वभावः तत एव साधनाय प्रमाणादि वराकम अनुपयुक्तम। यहाँ पर प्रमाण वराक की बात फिर कही है। जो चैतन्य विश्व का स्वभाव है, संपूर्ण विश्व की स्थिति ही उस पर डिपेंडेंट है, एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंडेंट है, वह जब एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो हम कैसे सिद्ध करेंगे किसी को? हम खुद ही नहीं होंगे तो हम क्या बताएंगे? और हम हैं ये बताने के लिए किसी अन्य से को हम कैसे लेके आएंगे? तो इसलिए प्रमाण वराक की आवश्यकता नहीं है। यदेत चैतन्य मुक्तम स एव आत्मा स्वभाव विश्वस्य जगतः। जो यह चैतन्य कहा है वही आत्मा है, वही स्वभाव। स्वभाव को हम नेचर या व्यक्ति की आदतों और उसके रूप में जो उसका रूढ़ी अर्थ है या जो उसका प्रचलित अर्थ है, उसको स्वभाव यहाँ नहीं कहा गया है। यहाँ स्व स्वयं का भाव स्थिति अस्तित्व के अर्थ में स्वभाव है। तो जो आत्मा स्वभाव है संपूर्ण विश्व का, वह आत्मा ही चैतन्य है, वही आत्मा है। यह शिव सूत्र के प्रारंभिक प्रथम सूत्र में कहा गया है। दूसरा जब कहा गया चित्तम आत्मा, तो यह व्यावहारिक दृष्टि से लौकिक दृष्टि से आत्मा कहा गया है, जो व्यष्टिगत चित्त है, जो मेरा चित्त है, जो आपका चित्त है, वह भी आत्मा है। वह उस पूर्ण आत्मा से, चित्त से जुड़ा हुआ, चैतन्य से, चिति से जुड़ा हुआ है। ये क्षेमराज इसको स्पष्ट करते हुए पूर्व सूत्र का उद्धरण देते हुए कहते हैं, अतएव चैतन्यम आत्मा, पहला वाला सूत्र, इति स्वभाव भूत तात्विकै तत्स्वरूप प्रतिपादनाशयेन पूर्वम आत्मा लक्षित। जो तत्वज्ञानी हैं उन्होंने, अब एक तरीका तो यह होता है जैसे अरुंधति न्याय जिसे कहा जाता है, कि हम यहाँ से सूक्ष्म से, अब यहाँ से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएं, ये हमारा ज्ञान का तरीका, लौकिक से पारमार्थिक ज्ञान की ओर जाने का तरीका हो सकता है। अरुंधति न्याय क्या है सब समझते हैं, मैं नहीं बता रही। और दूसरा तरीका यह है कि सृष्टि की जब बात हम करते हैं, तो सृष्टिकर्ता से, चिति से चित्त तक आते हैं। तो जब चिति से चित्त तक आ रहे हैं, तो ये बात है कि चैतन्य आत्मा, ये स्वभाव भूत तत्व ज्ञानियों ने पहले उसका स्वरूप प्रतिपादन किया और उसके उसके द्वारा आत्मा को बताया। इदानीं तु एतदीय संकोचावभास प्रधान आणव दशा औचित्येन इति न पूर्वापर वैषम्यम। ये क्लियर कर रहे हैं, ये इनकी भाषा की, इनकी टीका की विशेषता है।
ये इनकी टीका की विशेषता है कि ये बता रहे हैं कि पूर्व और अपर में कोई वैषम्य नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है संकोचावभास प्रधानात्, जो चिति संकुचित हो गई है फिर भी अपने आप को संकुचित रूप में प्रकाशित कर रही है, तो ये आणव दशा है, चैतन्य की शांभव शाक्त और आणव दशाएं जो है, तो वह जो अणु प्रमाता है, अणु प्रमाता आत्मा है, चैतन्यम आत्मा चित्त चित्त है अणु प्रमाता, तो ये भी अपने आप में इस तरह से ये स्पष्ट करते हुए चलते हैं। इनकी टीका जो है वह ऐसा नहीं है, वह मौलिक ग्रंथ से कम महत्व रखती है, वह मौलिक ग्रंथ को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इन्होंने साफ कहा है कि इन दोनों में कोई वैषम्य नहीं है, जब हम चैतन्यम आत्मा कहते हैं या जब हम चित्तम आत्मा कहते हैं। और इसी तरह से चिति के बारे में जो बात इन्होंने कही है कि हम संसार में क्यों रह जाते हैं, संसार में ही उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि हम चैतन्य को समझ नहीं सकते, चिति को समझ नहीं सकते। तद अपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर व्यामोहितता संसारित्वा। तद तद कौन? वह जो चिति तत्व है, प्रत्यभिज्ञा हृदय का सूत्र है, 12वां सूत्र। तद अपरिज्ञाने उस चैतन्य को नहीं जानने के कारण स्वशक्ति भी, अपनी ही शक्तियां जो पंच कृत्य कारित्व है, या यहाँ पर इन्होंने जो शक्ति बताई है, भूचरी खेचरी गोचरी दिक्चरी आदि शक्ति जो भी हैं, उनसे व्यामोहितता, उनसे मोहित होकर जब हम संसार में ही विचरण करते रहते हैं, अपने आप का वही स्वरूप समझने लगते हैं, तो यह संसार संसारी स्वभाव है, यह चित्त को आत्मा समझने की भूमि है। और दूसरा चिति की जो भूमि है वह इसके बाद वाला ही सूत्र है, तत्काल तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहा चिति। एक ऊपर से नीचे उतरती है चिति, तब वह चित्त बन जाती है, और जब चित्त ऊपर चढ़ता है तो वह चिति बन जाता है। तत्परिज्ञाने किसको जानने पर? चिति को जानने पर। चित्तम एव अंतर्मुखी भावेन, चित्त जो है वही जब अंतर्मुख हो जाता है और अंतर्मुख होकर अपनी जो चिति रूपता को, संपूर्ण संसार से अपनी एक रूपता को समझ लेता है, तो वह क्या होता है, चेतन पद पर चढ़ जाता है, वह अपने संकोच को छोड़ देता है और उस व्यापक स्वरूप का उसे दर्शन हो जाता है, वही चिति है। इसी के लिए विमर्शिनी में भी उन्होंने कहा है, स्वाम चिन्मयीम पराम भूमिम आविशति, अपनी चिन्मयी जो पराभूमि है उसको प्रवेश कर लेता है। यही साइकिल है, सृष्टि का चक्र है, चिति से चित्त तक आना और चित्त से वापस चिति तक जाना। इसको अन्य सूत्रों में भी इन्होंने कहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पंद की भी बात करना चाहती हूँ। स्पंद के बारे में भी जो इन्होंने कहा है, जो स्पंद तत्व है उसके बारे में सब जानते हैं कि जो स्पंदन है, सृष्टि जो है, जो है चेतना, स्पंद का ट्रांसलेशन वाइब्रेशन कभी नहीं हो सकता। सृष्टि जो है, स्पंद है जो है, वही चेतना है। तो वस्तुतस्तु न किंचित उदेति व्ययते वा केवलम स्पंद शक्तिरेव भगवती अक्रमापि तथा तथा भास रूपतया स्फुरन्ति उदेति इव व्ययते इव च। यहाँ इव पद बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ भी उदित नहीं होता। अभी अभी हमने कहा कि ये चित्त रूप में दिखाई दे जाती है, प्रकट हो जाती है चिति शक्ति, या फिर चित्त जो है वह अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने संकोच को समाप्त कर लेता, क्षीण कर लेता है चिति जो है, कोई भी ना, तो कोई कुछ उदित होता है ना व्ययते, कुछ क्षीण होता है, जो कुछ भी है स्पंद शक्ति, जो स्पंदन है, जो जीवन का पर्याय है, वही भगवती सर्वसमर्थ है, अक्रमापि, उसमें कोई क्रम नहीं है। क्रम किसकी वजह से होता है? काल की वजह से हमें क्रम पैदा होता है। काल शक्ति जो है वह हमें कहती है, अब जैसे
काल के माध्यम से ही हम कौन सी चीज पुरानी है, कौन सी चीज नई है, मेरा जन्म कब हुआ, मेरा इतने साल हो गए वगैरह, ये सब काल का जो हमने विभाजन अपनी सुविधा के लिए कर लिया है उसके माध्यम से होता है, वरना कुछ भी उदित और अस्त नहीं होता। सूर्य ही उदित और अस्त नहीं होता, ये हम जानते हैं। सूर्य का जो चक्र है वो चलता रहता है, लेकिन हम अपनी सुविधा से कहते हैं कि उदित और अस्त हो गया। तो इसी तरह से यह जो स्पंद शक्ति है वह तथा तथा भास रूपतया उस रूपों में, संसार के समस्त रूपों में प्रकट होती है। और जब प्रकट होती हुई सी हमें लगता है कि यह संसार, यह बच्चा पैदा हुआ, यह बड़ा हुआ, यह वृद्ध व्यक्ति मर गया, तो यह जो उदेति व्ययति इव ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऐसे उत्पन्न हो रहा है और नहीं हो रहा है। वास्तव में तो ऐसा नहीं है, जैसे ये कहते हैं स्पंद निर्णय में इन्होंने कहा है, सर्वम स्वात्म स्वरूपम मुकुर नगरवत स्वस्वरूपात स्वतंत्र स्वच्छ स्वात्म वित्तौ कलयति धरणीतः शिवांतम सदा या दृग देवी मंत्र वीर्यम सततम उदिता शब्द राश्यात् राशि आत्म पूर्णा हंत अनंत स्फुरत्ता जयति जगति सा शांकरी स्पंद शक्ति। शांकरी से मतलब शंकर की, आचार्य शंकर के लिए भी शांकरी कई बार कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सर्वम सर्वात्म रूपम, जो सब कुछ है वह हमारा आत्म रूप ही है। मुकुर नगरवत, दर्पण में प्रकाशित, दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान स्वस्वरूपात स्वतंत्र। अब आप दर्पण में जो हमारी छाया है वह हमारे स्वरूप से स्वतंत्र भी है और आश्रित भी है, जैसा कि हम जानते हैं। स्वच्छ स्वात्म वित्तौ, स्वच्छ जो हमारी आत्मवित्ती, स्वच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति, इन्हीं का सूत्र है। तो यहाँ जब हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण हमारे से भिन्न होता है और प्रतिबिंब और भिन्न होता है। शैव दर्शन में, प्रतिविज्ञा दर्शन में हम जानते हैं कि भिन्न कुछ भी नहीं है, शिव स्वयं अपनी इच्छा से अपने ही आत्मदर्पण पर इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो जो धरणीतः शिवांतम, धरणी से लेकर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो दृग देवी है, जो चिति शक्ति है, और जो मंत्र वीर्यम सततम समुदिता शब्द राशि आत्म पूर्णा, शब्द राशि में अपने आप में पूर्ण है और मंत्र में जो मंत्र वीर्य से युक्त है, मंत्र वीर्य की पूरे एक अलग शास्त्र है, लेकिन प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र बनने योग्य है। तदेव च पदम मंत्र, अभिनव गुप्त का कहना है कि प्रत्येक पद मंत्र है। तो इस तरह से जो अनंत स्फुरता है वह अनंत है, स्फुरता सभी में है, जड़ वस्तुओं की स्फुरता प्रकट नहीं होती लेकिन वही है। तो ऐसी शांकरी स्पंद शक्ति संसार में जो रहती है और उसी की जय हो। तो यह जो स्पंद शक्ति है यह अपने आप में एक अलग ही बात है और इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोग स्वीकार करते हैं। स्वामी मुक्तानंद का कहना है, ये मानते हैं कि स्पंद से ही सृष्टि का प्रारंभ है और जीवन का लक्षण भी स्पंद है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पंद इज साइंटिफिक। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्लोजन एंड दैट द अल्टीमेट इज स्टिल एक्सपेंडिंग, येट so far they have not been able to find how the first explosion occurred. However, the ancient scriptures of the Spand doctrine have always contained the knowledge that this vibration is Spand or throb of absolute, absolute reality, the universal consciousness, which is also called Shiva. The world came into existence with the throb of his opening eye. इसीलिए स्पंद तत्व को डिवाइन क्रिएटिव पल्सेशन भी कहा है, स्पिरिचुअल डायनेमिज्म भी कहा है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्ष है। और इन्हीं का स्पंद के बारे में इन्होंने बताया था, प्रत्यभिज्ञा के बारे में इन्होंने बताया। एक इनका तीसरा पक्ष है, भक्ति का पक्ष। शिव स्तोत्रावली की टीका इन्होंने लिखी है और शिव स्तोत्रावली पर जो बात की जा सकती है वह उत्पलाचार्य क्या इतना जबरदस्त भक्ति भाव है
कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, और उस पर इन्होंने जो बात कही है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है, भवत भावः पुरो भावी प्राप्ते त्वद्भक्ति संभवे लब्धे दुग्धे महाकुंभे हता दधनी गृध्नुता। जो आपका ये उत्पलाचार्य का श्लोक है कि शिव भाव की प्राप्ति अगर हमें हो गई, त्वद्भक्ति संभवे, आपकी भक्ति के प्राप्त होने पर, आपकी भक्ति से उत्पन्न शिव भाव की प्राप्ति हो गई, तो जैसे दूध का महाकुंभ अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो फिर आपका दही में लालच नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास ढेर सारा दूध है, आपको जितना चाहे दही आप स्वयं बना लेंगे। इस तरह की बात इन्होंने कही है। त्वत् समावेशे भवत् भावः पुरो भावी, जब समावेश दशा की प्राप्ति हो गई तो मैं शिव स्वरूप हो ही गया, भवत् भाव शिव रूपता मुझे तुरंत प्राप्त हो ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में त्वद् रूपता समासन्नैव न तो प्रार्थनीया यतो तो महति क्षीर घटे प्राप्ते दधनी या गृध्नुता। तो अगर त्वद् रूपता अगर आपका जो समावेश है वह मुझे प्राप्त हो गया तो मैं त्वद् रूप भी हो जाऊंगा, उसके लिए मुझे अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूध का घड़ा मुझे मिल जाए तो छोटा मोटा दही मुझे अलग से नहीं चाहिए। क्षीर घटे प्राप्ते दधनी या गृध्नुता अभिलाषुकता सा हता व्यर्थैव दुग्धे नैव दग्नोर गर्भीकारात्। क्यों? क्योंकि दूध में ही दही छुपा हुआ, ये इनकी भाषा की विशेषता भी बता रहा है, ये स्पष्ट बता रहे हैं, पूरी तरह से उस बात को खोल कर कह रहे हैं। टीका की विशेषता भी है इनकी, इनकी भाषा की विशेषता भी है कि ये बता रहे हैं कि ये ऐसा संभव है, ऐसा उचित है। इस दृष्टि से क्षेमराज जो है ये अपने आप में बात करते हैं, और भाषा की जो बात कही, भाषा के जो चिन्मय पक्ष की बात कही है और पार्थिव पक्ष की बात कही है, यह भाषा का या शब्दों का पक्ष नहीं है, यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, ये ग्रहिता की भूमिका है। ये जो ग्रहण करता है हम लोग हैं, हम लोगों का हम किस, वही जैसे अन्नमय प्राणमय कोष की बात है, अगर मैं शरीर तक ही अटकी हुई हूँ, शरीर तक ही मेरा ध्यान जाता है, हम किसी व्यक्ति से मिले तो हमने देखा कि उसके कपड़े कैसे हैं, लुक कैसा है, उसने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं या नहीं, तो हम वहीं तक रहेंगे। तो उससे आगे हम बात चले, मतलब अगर हमारा लेवल थोड़ा सा अच्छा है तो हम देखेंगे कैसे उठता बैठता है, उसको नमस्ते की, उसने नमस्ते करते वक्त भी यहाँ की, या आजकल जैसे बच्चे पैर छूते हैं घुटने तक भी उनका हाथ नहीं जाता, तो हमें पता चलता है। तो कौन किस स्तर पर है, शब्द शब्दों का अपने आप, शब्द तो एक वाहक मात्र है, जो कहने वाले ने जो कहा उसकी जो चेतना थी और वह चेतना हम तक पहुंच पाए शब्दों के माध्यम से, तो हमें भी उस तरह का पात्र बनना पड़ेगा। जैसे कहना नहीं, मतलब वो जो बात चली अभी प्रारंभ में राजेंद्र जी ने कही, चिति की बात, स्वतंत्र की बात, और उस बात को नारी स्वातंत्र्य से जोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि ये एकदम फिलोसॉफिकल लेवल है, फिलोसॉफी की बात हो रही है। और अगर जब जैसे पुरुष है, सांख्य का पुरुष है, तो कई बार लोग बात कह देते हैं कि ये पुरुष की बात हो रही है, तो वो चैतन्य जी, तत्व की बात है, और चिति जब है तो वो नारी तत्व की बात नहीं है, वो भी चैतन्य तत्व की बात है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों समाविष्ट है, और स्वातंत्र्य का जो अर्थ है वह बिल्कुल भिन्न है, और मनु का स्वातंत्र्य का अर्थ या और चीजें, मतलब बनवाइए आप प्रोजेक्ट, बनवाइए जरूर बनवाइए, जो भी है जो भी, तो वो लेवल शब्द का पार्थिव लेवल होगा, वो आप चिन्मयन लेवल तक या शाश्वत लेवल तक नहीं जा सकते, ये शब्द के लेवल हैं, आप जो लेवल पकड़ेंगे ये आपकी अपनी क्षमता पर होगा। शब्द अपने आप में कोई लेवल नहीं है, वो निर्जीव है, निर्जीव से मतलब जैसे मंत्र राशि है, मंत्र के लिए भी यही कहते हैं ना, लिखित मंत्र जरूर इसलिए नहीं कहते थे लिखित मंत्रों को देना, क्योंकि जो सांसिद्धिक संवित वाले हैं वह उस मंत्र में से चैतन्य जागृत कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है चैतन्य जागृत करने वाला, मंत्रों छोड़ सामान्य शब्दों का चैतन्य भी हम जागृत नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक हाँ, पता नहीं का मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी उसी वक्त इतनी जबरदस्त, कि मैंने कहा हम फिलोसफी को फिलोसफी रहने दें तो बेहतर होगा, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि फिलोसफी को लोग स्वीकारें, जाने, व्यवहार के स्तर पर लें, लेकिन
ये तो बड़ा मुश्किल है कि शब्दों का हम इस तरह से अर्थ बदल दें जी और बिल्कुल हमारी सुविधा के लिए बदल दें जी और फिर कहें कि हम रिसर्च करके लाए हैं, हम कोई नई चीज निकाल के लाए हैं। जी ठीक आई एम सॉरी अबाउट दैट, किसी नहीं की नहीं नहीं भावनाओं नहीं को ठेस पहुंचाना मेरा नहीं नहीं बिल्कुल भावना नहीं प्रयत्न नहीं है, बिल्कुल लेकिन विषय से थोड़ा सा जुड़े हुए होने के कारण और नहीं विषय के प्रति एक सम्मान होने के कारण मैं अपनी भावना तो प्रकट करूंगी, जी है ना? हाँ तो जी वो आदर के योग्य है ऐसा नहीं नहीं, और आपने जो बात कही वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्दों की अपनी भूमिका है, शब्दों का अपना लेवल है, ये बहुत सही है, लेकिन वो लेवल पकड़ने की सामर्थ्य हमें अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी जी और वो आसान नहीं है, और शब्दों के लेवल पर भी है, जीवन के लेवल पर भी है। मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग जी अन्यमय प्राणमय कोश से आगे ज्यादा से ज्यादा मनोमय कोश तक, विज्ञानमय कोश तक भी चले जाएं, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं या तप समाधि के द्वारा से, समाधि और व्युत्थान की जो बात वो कह रही थी वो भी बहुत गड़बड़ कह रही थी। व्युत्थान थोड़ा के लिए अगर इन्होंने कहा है कहीं कि कोई ऋषि कोई समयोगी जो है वह समाधि और व्युत्थान दोनों में समान रूप से विचरण कर लेता है क्योंकि वह योगी है, वो आसानी से इधर भी आ जाता है उधर भी जाता है, व्युत्थान में भी उसकी समाधि अवस्था भंग नहीं होती, ये है। लेकिन दोनों लेवल एक है, व्युत्थान अवस्था बिल्कुल सांसारिक दशा है और समाधि अवस्था बिल्कुल डिफरेंट है, अलग सब जी जानते हैं। और अगर इन्होंने, मतलब आपको वो कोट मिल जाएगा जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी जो है वो उसके लिए दोनों अवस्थाएं समान होती है, लेकिन वो योगी के लिए होती है और वो इस तरह से होती है, परमार्थ सार में पूरा कहा है कि वह योगी इस तरह से विचरण करता है, वो स्वच्छ चंडाल के घर में जाए या कहीं भी जाए कुछ भी हो उसके लिए सब कुछ समान है, तो वो एक स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो विशेष रूप से ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है शब्दों की शब्दावली के द्वारा भी जानना और शब्दावली में निहित विचारों तक गहराई और विचारों की गहराई को पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए वो जो अनभ्यास और अभ्यास की बात करते हैं क्षेमराज, निरंतर अभ्यास, अब हम उन्होंने कह दिया बाल बुद्धि वाले जो अभ्यास नहीं करना चाहते वो नहीं पकड़ सकते उनकी बात को, उन्होंने कह दिया है विश्व सिद्धि हेतु, या चितिरेव चेतन पदाद अवरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम, जब वो कहते हैं तो चिति जब वो नीचे आ जाती है और जब वो कहते हैं कि वही जब ऊपर चढ़ जाती है तो वो हो जाती है, तो इसको समझने के लिए एक पूरी भूमिका, तद भूमिका सर्वदर्शन स्थित है, सारी बातें वो सूत्रात्मक ढंग से इस ढंग से कहते हैं कि एक पढ़िए फिर दूसरी फिर तीसरी फिर आपको समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि बाल बुद्धि आसानी से समझ लेगा, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों को संक्षिप्त किया है व्यवस्थित किया है, तो हमें उसके घटाटोप में जो ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका है फिर उसकी विमर्शनी है विवृत्ति विमर्शनी है उसमें जो बच्चा उलझ जाता है उलझना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक स्वच्छ दर्पण लेके आना होगा जिसमें वे विचार प्रतिबिंबित हो सके और उन शब्दों में निहित विचारों को उनके पार्थिव कलेवर में स्थित शाश्वत और चिन्मय स्वरूप को प्रकटना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया मैं कुछ कह पाई, भी आशा करती हूँ क्योंकि क्षेमराज पर ही बात होनी है तो रिपीटेशन ना हो इसकी भी मैंने कोशिश की है, फिर भी जी अगर हुआ है तो यह उस दर्शन की अपनी आवश्यकता भी है। जब हम जी चित्त की चेतन की चिति की बात करेंगे तो वही सूत्र आएंगे वही बातें आएंगी और वे बातें हमें करनी ही होंगी, जी जी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। और जिस विद्वत्तापूर्ण तरीके से व्यवस्थित रूप में और सहज रूप में आपने इन पक्षों को, क्षेमराज जी के पक्षों को हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका हम जितना धन्यवाद करें वो कम है। आपके प्रति जितना आभार व्यक्त करें वो पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ हमें मिले, उसकी उससे हमें प्रेरणा मिले, ताकि हम भी इस क्षेत्र पर, इस मार्ग पर अग्रसर हों। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा ज्ञान मेरे साथ ही नहीं छिपा रह जाए, मैं बहुत चाहती हूँ कि जी लोग मेरे साथ जुड़े और मैं कुछ जी बात कह पाऊँ, मैं बहुत इंतजार करती हूँ आपके इस इनविटेशन का। जी मैम, ये आपकी कृपा है।
और निश्चित रूप से हम इसी योग्यता को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम राजेंद्रा भी जो हैं वो निरंतर करती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। डॉक्टर सी के झा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं चाहता था उनका भी वक्तव्य रहता, लेकिन उनसे समय रहते संपर्क नहीं हो पाया। और भी मतलब ये जितने जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जिज्ञासा से अपने को परिभाषित करते हैं। जिज्ञासा मेरा मेरा एक निवेदन आप राजेंद्र जी से कह दीजिएगा कि मेरा बिल्कुल कोई आशय उनकी बात को नहीं काटना नहीं था और नहीं किसी मैडम, वो रूप में समझती मेरे हैं नहीं वो। चाहती, लेकिन वो जो आपने स्तर की बात कही वो मुझे इतनी पसंद आई कि जी मैंने उस बात को उस ढंग से कह दिया और मुझे लगा कि ये नहीं बात इस तरह की, अगर हम पार्थिव स्तर पर बात करना नहीं चाहें तो हम जरूर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात का बहुत आदर पूर्वक लेते हैं, और इस तरह का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म चाहिए है, और मैडम राजेंद्र समझती हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय हाँ, फिर नहीं है। भी आप ऐसा उनसे कह दीजिएगा अगर वो नहीं नहीं, ज्वाइन, वो जुड़े हुए हैं, ऐसा हाँ नहीं हाँ है, आप निश्चिंत क्योंकि किसी रहिए। का भी दिल दुखाना या वो किसी की बात को वो नहीं, काटना मकसद हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा है भी नहीं है, ऐसा कोई ध्यान में भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि इस तरह से ही उद्बोधन करने से हम में सावधानी आती है, अन्यथा हाँ, और रिसर्च का तो काम ही यही है कि हम आपस में विमर्श करें तब रिसर्च आगे बढ़े, जी जी तो जी विमर्श से तो रिसर्च आगे बढ़ेगी, तो जी तो बहुत ही अच्छा। अब देखिए कि कई सारे शब्द हमारे पास नए आ गए, मंत्र, वीर्य, क्रम, सुरत्ता, उद्यम, भैरव, भक्ति, समावेश, चिन्मय, अभ्यास, कितने सारे शब्द हमारे पास एकत्रित हो गए आज। तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत सफल रहा है, और हम आगे से पहले से अधिक जो हैं वो धनी हुए हैं इस शब्दावली के समाहन करने से। तो जैसा कि हमारा अभ्यास रहता ही है प्रत्येक वेबिनार में, कि आप में से जो लोग अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, कोई पक्ष रखना चाहते हैं, स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर सी के झा जी सबसे पहले अपनी बात कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैडम जैसे और इस तरह से सुंदर, बहुत ही सहज तरीके से, और कश्मीर में शैविज्म में या कश्मीर शैव दर्शन की जो हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को एक गति प्रदान महोदया कर रही है। मुझे कुछ एक आधे प्रश्न, क्या मैं प्रश्न भी नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सा एक यह है कि जानने की इच्छा है थोड़ी सी, कि जैसे कश्मीर शैव परंपरा जो है प्रारंभ काल से आचार्य परंपरा चली आ रही है, बसुगुप्त से शुरुआत करें और इधर आज तक जो है वो परंपरा निर्बाध रूप से चल रही है, परंतु जैसे आप ये देखिए कि वेदांत दर्शन में वेदांत के जो जानने वाले हैं या प्रचार प्रसार करने वाले हैं, या वो एक संस्थागत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं, तो उस तरह से, और एक और बात इसके साथ ही, कि जहां वेदांत में हम देखते हैं कि जो जगत है विवर्त रूप है और मिथ्या है, जगत है ही नहीं, तो इस संदर्भ में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एमए लेवल पर प्रतिविज्ञा हृदय भी है और अन्य चीजें जो हम पढ़ाते हैं, वेदांत सार भी पढ़ाते हैं, तो जो शैव परंपरा की जो जगत है, जो संबित के जो सशक्ति स्फार है, जो स्वातंत्र्य है, वो वेदांत की अपेक्षा से धरातल पर ज्यादा समझ में आने वाली चीज है। जैसे हम कहते हैं कि अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, हम वेदांत में या कहीं वेदांत दर्शन में शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे जाना कहाँ है, तो इस संदर्भों को जब हम देखते हैं तो मैं कौन हूं, तो इस जगत की जो एग्जिस्टेंस है, जो सत्ता है, वहां रहते हुए उस दर्पण में जिस प्रकार से प्रतिबिंब है, छाया है, उस रूप में जब हम अपने आप को जानने की इच्छा करते हैं,
वो ज्यादा सहज लगती है वेदांत की अपेक्षा से, वेदांत की धरातल पे जब देखते हैं और इस धरातल पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम ये जो वेदांत के जो विभिन्न मठ है और कई तरह के प्रवचन भी लोग करते हैं, तो उस रूप में इतने अच्छी विदुषी मैडम हैं, आपने लखनऊ में भी केंद्र है, वहां बड़ोदरा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में भी मैं वहां गया था शैव दर्शन की कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहां भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां प्राप्त है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में। और मैं करीब एक महीना मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा था जहाँ नवजीवन रस्तोगी जी आदि से मैं मिला था, तो वहां भी इस तरह की हमारी परंपरा है। और जम्मू कश्मीर में अपने राणा जी और इत्यादि लोग हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इन सबों को मिला करके बृहद रूप दे करके, और आप डॉक्टर आशुतोष आचार्य जी बहुत बढ़िया आप समन्वय भी करते हैं, तो क्या इन सब चीजों को मिला करके जन सामान्य के लिए एक सबको एकीकृत न किया जाए आगे के लिए? ये मेरा साधारण प्रश्न है। ये साधारण प्रश्न नहीं है ये बहुत महनीय, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। और मुझे कई बार लगता भी, देखिए आपका ये मानना बिल्कुल सही है कि वेदांत जो दर्शन की जगत की जो व्याख्या करता है, मिथ्यात्व जो करता है वो गले नहीं उतरता, जबकि काश्मीर शैविज्म का जो भी है व्याख्या वो गले उतरती है। ये बात एक अलग जवाब। दूसरी बात, मुझे जो लगता है कि वेदांत के शंकराचार्य और हमारे अभिनव गुप्त दोनों समान लेवल के विद्वान हैं, लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया, भारत भ्रमण किया, अलग अलग जगह मठ बनाए और उन मठों में लोगों को स्थापित किया जिन्होंने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए वेदांत सारे देश में सारी जगत में फैल गया और वेदांत को शंकर वेदांत के नाम से ही जान लिया जाता है, जबकि दूसरे रामानुज वगैरह और भी दूसरे बहुत से हैं। हमारे अभिनव गुप्त बाहर नहीं गए, वे इतने ज्ञानी हैं, इतने सब कुछ है, लेकिन हमारा काश्मीर शैविज्म आज तो हम बात तो कर रहे हैं, कम से कम इतनी बात कर रहे हैं, इतनी जयंतियां मना रहे हैं पिछले दो चार साल से, जब अभिनव गुप्त सहस्राब्दी मनी तब से तो लोगों के दिमाग में कहीं घुस रहा है कि हाँ कोई काश्मीर शैविज्म नाम की कोई चीज है। इससे पहले तो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते थे, जितना हम कॉलेजेस में पढ़ा लेते थे, जितने कोर्सेज में रख लेते थे उतनी सी बात है। आज कम से कम कोर्सेज से बाहर व्यक्ति, और इसके लिए सुनील रैना राजानक और इस तरह के दूसरे लोग बहुत बधाई के धन्यवाद के प्राप्त पात्र हैं, जो अब ये नियम बना दिया कि कम से कम ये जयंतियां नियमित रूप से मनेगी। तो ये जब जयंतियां मनेगी, ये है काश्मीर का, ये इतनी बड़ी समृद्ध थाती है, दर्शन है, सांस्कृतिक और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, वे सब ग्रंथ बाहर तक पहुंचे ही नहीं लोगों तक। काश्मीर का जो सांस्कृतिक वैभव है लोगों ने जाना ही नहीं, वहां का तो संप्रदायवाद ही जानते रहे आज की पीढ़ी जो है। तो इसमें बहुत बड़ा कमी जो है वो हमारी पक्ष से रही है, जो कश्मीर की उथल पुथल व्यवस्था रही उसके पक्ष से रही है, या जो हमारे आचार्य थे वो इधर उधर नहीं गए, या शंकराचार्य जो थे वह इधर उधर चले गए और उन्होंने पूरी दृढ़ता से अपने दर्शन को, अपने मठों को स्थापित कर दिया जिसको भविष्य में सब लोगों ने स्वीकार कर दिया। तो एक बहुत बड़ी कमी है। और आज के जमाने में तो संप्रदायवाद इतना फैला हुआ है कि हम अपनी बात कहें, हम छोटे से ग्रुप में कह लेते हैं, लोग सुन लेते हैं, अगर हम ज्यादा कहना चाहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, वहां संप्रदाय और धर्मांधता और फिर पता नहीं क्या क्या प्रवेश कर जाएंगे, जो हम जितना जिस लेवल पर हम जी रहे हैं उस लेवल पर जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छा है कि हम ये जयंतियां मनाते रहें। सुनील रैना जी ने वो बहुत बढ़िया प्रयोग वो किया है, उन्होंने YouTube पे डाले कश्मीर के सारे छोटे मोटे मंदिर, सब उन्होंने विजिट किए और वो डाले। उस इस तरह के प्रचार प्रसार के साधनों का हम प्रयोग करें, आज के जमाने में YouTube का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा रोचक बनाकर इसकी जानकारी, जैसे मैंने जो लेक्चर दिया बहुत अच्छा आप लोगों को लगा, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप अपने घर वालों को, किसी को जिनका दर्शन का बेस नहीं है, उनको सुना के देखिए कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग खुश होते हैं। तो बहुत कुछ है हमारा ये प्रचार प्रसार करना, और इसको इसके लिए हमको बहुत सरल और भी सरल चीजें, और जिस तरह से ये इसमें वो है एकांकी है, नाटक है, या छोटे छोटे क्लिपिंग्स है, एक वो है, मतलब कुछ लोग बना बना के डालते हैं यूट्यूब में, उस तरह के सुनील जी ने ज्वाइन किया है। सुनील जी से मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस तरह से मंदिरों के सबके वो डाल रहे हैं, और अब आपके लिए नेक्स्ट टास्क वो हो सकता है
मैं आपको बताऊंगी कौन है। एक और ये है यूट्यूब पे, और इस पे डालते रहते हैं छोटे छोटे उपनिषदों से संबंधित भी, उपनिषद के ज्ञान से संबंधित वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं। तो हम लगते गीता। हैं कि इसके जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं उसको कहानी के रूप में पिरोकर किसी तरह से लोकप्रिय वीडियो बनाएं, उसके लिए भी कर सकते हैं। और ये वाला जो आपका ये है, आपने जो मंदिरों का कलेक्शन किया, इसको कंपाइलेशन करके और एक व्यवस्थाबद्ध रूप से बताएं कि हमारे इतने सारे मंदिर थे और इतने सारे, मतलब आपने किया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी आपको, बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के बिना आज मार्केटिंग का जमाना है। सुनील जी का दायित्व तो बढ़ा दिया है। बिल्कुल, इनका दायित्व, इन्होंने जो काम हाथ में लिया है वो आसान नहीं है, और लेके फिर ये छोड़ भी नहीं सकते। जी। लेकिन इससे पहले कि मैं सुनील जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले हीरालाल वांगुरु वांगुरु जी। वांगनु जी, जी 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 सर, प्लीज। आप सबको प्रणाम, खासकर आज के शुभ अवसर पर, प्रकाश जयंती पर। जी मुझे उम्मीद है, अपेक्षा करता हूं कि ये प्रकाश हम तलक न रहे, कभी हमारे सारे विश्व में फैले। मैं बीना जी का, आशुतोष जी का, रैना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा ये सौभाग्य रहा है, पिछले 3 दिवस में भी मैं भाग ले पाया हूं। उसमें भी बीना जी ने इसकी रूपरेखा बांधी थी। बीना जी तो खुद सरस्वती है, उसमें भी उन्होंने बांध दी थी रूपरेखा। जी आज मैं फिर वो सुझाव जो है, जो पहले भी मैंने दिए थे, मैं दोबारा उसको देना चाहता हूँ। जी ये जो अभी प्रसिद्ध किया था सज्जन ने, और उसका जो आंसर दिया था बीना जी ने, उन्होंने तो मेरा काम बहुत सरल कर दिया है। जी लेकिन मेरा आशुतोष जी और रायना जी से भी ये फिर आग्रह है कि जी सर, इतना विस्तृत, इतना बेहद ज्ञान जो है, आप इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, और जो बीना जी ने कहा कि किस प्रकार हम बच्चों तक, युवाओं तक पहुँचे, इसके लिए ये जो कृति जो है जी कलमबंद करके हम उन तरक पहुंचे, बहुत ज़रूरी है। जी मैं थोड़ा एसोसिएटेड हूँ रेस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज़, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि NEP, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो नई आई है, जी उन्होंने ये मान लिया है कि जो हमारी धरोहर है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको, उसके जो वैल्यूज़ है, मूल, बहुत ही आवश्यक है, जी जो हम बहुत दूर हटते जा रहे हैं। मीना जी ने काफ़ी विस्तार से उसमें भी व्याख्या की है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दो डिटेल्स, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो पुस्तिका होगी, छोटी होगी, सरल भाषा में, ये जो ज्ञान है, आप लोगों ने इतना रिसर्च किया है, लास्ट टाइम भी 3 दिवसीय में भी आप लोगों ने इतना ज्ञान बांटा है, ये केवल हम तलक न रहे। जी और मेरा आपसे निवेदन है कि अब मेरी विडम्बनाएं हैं, बहुत बड़ी विडम्बनाएं थी जो आपने, वीना जी ने कहा कि ये 2-4 साल से ही हो रहा है, इससे पहले भी हमने थोड़ा शुरू किया था। मैं शारदा भाषा से जुड़ा हुआ हूँ, शारदा नीति से, सॉरी। तो जी मिनिस्ट्री, हायर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गया था मैं, आपको इंसिडेंट बताता हूँ। वो एक व्यक्ति, बड़े सीनियर IAS ऑफिसर थे, हिंदी से बहुत परिचित थे, इलाहाबाद से आते थे। जब हमने उनको इसके शारदा के बारे में बताया था, और वो भी था, वो भी पॉसिबली ये था कि मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था, और मेरी विडम्बना थी, ये सीनियर IAS ऑफिसर उस लेवल पे होके बड़ा अट्ठाहास से करने लगे थे कि अभी संस्कृत नहीं हो पा रहे तो आपको कैसे शारदा होगी, क्योंकि उनका जो अंदरूनी, जब तक जज्बा नहीं होगा, जी जब जी तक आप आंतरिक रूप से अपने और मन से, जैसे बीना जी ने रेफरेंस, आपने रेफरेंस दिया है, जो हमारे मूलभूत पॉलिसी जो करते हैं, तो उन्होंने अब NEP में एक और नई संस्था जोड़ी है, उसका होगा नेशनल हेरिटेज। जी जी उसमें ये चीज़ें बहुत आवश्यक है, आप लोगों की जो मेहनत है उसमें वो रंग जरूर लाएगी, हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, रैना जी से भी है, आशुतोष से, आप साधुवाद के पात्र हैं, हम आपको इन्हें जानने की जो इच्छा है, हम जैसे जैसे अज्ञानी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही आनंद आता है, कितना रेफरेंस है, कितना वैल्यूज मूल भरा हुआ है, कितना रेलेवेंट है आज की सदी में, जो 21वीं सदी में बीना जी ने उसको जोड़ा है, बिल्कुल, चाहे वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमन हो, चाहे वो मूल हमारे जो आजकल जो प्रदूषण है,
या प्रदूषण जो घर में व्यवहार आचार व्यवहार में जो हो रहा है, इसकी व्याख्या इसके मतलब प्रैक्टिकल व्यवहार में भी उसकी दिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, तो इसको लाना बहुत आवश्यक है। मैं आपका फिर हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें इस ओर बुलाते रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बल्कि हर कोई जो भी इस वेबिनार में जुड़ा हुआ है आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन हम लोग जो हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, वो भी टू प्रॉन्ग, वो हम नहीं डिज़ाइन कर पाए। एक तो हम उन मेन डिस्कोर्स के कॉन्सेप्ट्स को चुनौती उचित रूप से पिछले 70 सालों में नहीं दे पाए। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा, हम अपने को मेन डिस्कोर्स में नहीं ला पाए, ये गड़बड़ हो गई। अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, प्रयास भी हो रहे हैं, और लेकिन उसको कंसोलिडेट होने में अभी टाइम लग रहा है। व्हाई कांट वी स्ट्रेस द एजुकेशन ऑफ संस्कृत? अर्लियर इट यूज्ड टू बी इन कश्मीर संस्कृत। मेरी विडंबना थी, जब मैं वहाँ छोटा था वहाँ केवल उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। मैंने संस्कृत ज्वाइन की थी प्राइवेटली, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई केम टू दिल्ली आई वाज अ मैन मिसफिट। यहाँ हिंदी इंग्लिश का सवाल नहीं था, संस्कृत थी नहीं, तो हिंदी आती नहीं थी। बट देन आई हैड टू स्लोली स्लोली डेवलप। मेरा आपसे आग्रह है, वी मस्ट हैव दिस प्रेशर ग्रुप्स विद द एनईपी टू टेल देम व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ संस्कृत, तभी आप जुड़ पाएंगे अपनी हेरिटेज से। जी निश्चित रूप से इसको टेकअप करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस विषय को हम किसी एक मीटिंग की फॉर्म में भी लेंगे। और अभी वैसे कल का जो हमने विषय रखा हुआ है, कल 4 बजे का जो विषय है, जो आर्या गर्ल्स कॉलेज के साथ मिलके हमने लिया है, वो नैक और संस्कृत शास्त्रों के ऊपर ही लिया है। ये जो मूल्यांकन करने की पद्धति है नैक की, इसका एक विकल्प जो संस्कृत शास्त्रों के आधार पर है वो क्या हो सकता है, उस पर आधार पर हमने कल एक चर्चा रखी हुई है 4 बजे। अगर आप उसमें जुड़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एनईपी आल्सो, और उसका जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है वो नालंदा और तक्षशिला और बाकी जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं, कि वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रही हैं, तो वहाँ के पैरामीटर्स को हमने क्यों नहीं कभी यूज़ किया। तो उस रेफरेंस में हमने कल नैक और जो संस्कृत शास्त्र एवेल्युएशन का जो है उसको लिया है। तो धीरे धीरे और कंसोलिडेट होंगी चीज़ें। We need to sensitize the officials, those who are framing the policies. It's very, very essential for us. Because unless they are sensitized, we cannot go into the foundation. We have to build this foundation right from the childhood. Right, sir. In Bangalore, mein there are those who speak only Sanskrit. UK, mein already there is a issue why they speak in schools only Sanskrit. Teachers are Sanskrit. जी, US and Germany में they have a specialized research centers. Right, sir. तो ठीक है सर, इसको जरूर टेक अप करेंगे, और निश्चित रूप से झा साहब को मैं कहूंगा कि वो इसके साथ जरा एक्टिवली इन्वॉल्व हों, क्योंकि उन्होंने ये विषय उठाया है, तो निश्चित रूप से उनको अब जिम्मेदारी का भी जिम्मेदारी में सहभागी। जी जरूर। तो किसी और का कोई वक्तव्य है, कोई टिप्पणी है, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो जरूर रखें, फिर हम इसको पूर्णता की ओर अग्रसर करें। कोई अपनी बात निसंकोच भाव से रखें, अपने ही सभी शैव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो मैं अच्छा फॉर्म बिफोर यू क्लोज आई वांटेड टू जस्ट इन्फॉर्म यू। जी सर। डॉक्टर दीपक चोपड़ा was well known endocrinologist in USA. He has been offered millions of dollars for research, and unko science and religion se sambandhit koi topic hai. So while I was interacting with him, I am told that he is doing only Shaiva philosophy. Ji. So maybe we get in touch with him to find out what is his nishkarsh kya nikla. Kyunki woh bhi bahut hi aakarshit hue hain Shaiva ji. Ji. Ha, maine unko Neel ji se bhi aagrah karunga. दीपक चोपड़ा से और आप लोग भी उनसे करें, क्योंकि उनको भी मदद मिलेगी। जी निश्चित रूप से। थैंक यू। तो अब कार्यक्रम को मुझे लगता है पूर्णता की ओर अग्रसर करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील रैना राजानक जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन भी करें,
और आज के जो विषय रहा है उस पर अपनी टिप्पणी भी हमारे साथ साझा करें। और निश्चित रूप से पहले भी आरंभ हमने इस विषय का किया था उनके धन्यवाद से, उनके प्रति आभार को, और लेकिन अंत भी मैं उनके प्रति आभार से ही करना चाहूंगा कि अगर वो मुझे स्मरण नहीं दिलाते, यही तो है सबसे खूबसूरत बात कि विस्मृति जो आती है उसमें सुनील जी जैसे जो चेतस लोग होते हैं वो जगा देते हैं। आदि और अंत एक ही जगह रखा आपने। जी निश्चित रूप से सर्कुलर में ना आदि है ना अंत है। तो सुनील जी से मेरा निवेदन है कि वो अपना जो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद आशुतोष जी, मेरा प्रणाम आपको, डॉक्टर बीना जी का, जो हमारे इतने कार्यक्रमों में जो विमर्शनी शक्ति है वो डॉक्टर बीना जी उस दायित्व को पूर्णता से करती है। और आज के आरंभ में डॉक्टर रजिंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उनको 30 साल के बाद आज प्रतिभिज्ञा हृदय पढ़ने का फिर से अवसर मिला और उन्होंने अपनी टिप्पणियां अपने वक्तव्य हमारे साथ साझा किए, तो उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम और बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आज 3 महापर्व है, देव दीपावली है आज, कार्तिक पूर्णिमा की तथा दीपावली का लास्ट, आचार्य खेमराज जी की जयंती है तथा गुरुपूर्व गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। तो 3 महापर्व आज जुड़े हैं और आज के इस कार्यक्रम में भी जिस प्रकार से आपने, डॉक्टर बीना जी ने और डॉक्टर राजेंद्र जी ने जो एक सूत्र बांधा और हमें विभिन्न शब्दावलियों से परिचित कराया, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हमें सीख मिली आज के दिन। और सबसे अच्छी बात मेरे को डॉक्टर बीना जी की ये लगी कि जो उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को एक तैयारी करनी है हमें, ताकि वो एक इस अपनी संस्कृत धरोहर को, अपने विचारधारा को और अपने आचार्यों के कार्य को आगे बढ़ाने का किस प्रकार से प्रयास करे, और उस धरोहर को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर आशुतोष जी। अगर आप इस संयोजन, इस कार्य के संयोजक नहीं होते, शायद ये कार्यक्रम इस भव्य स्तर पे नहीं हो पाता। जैसे ऑलरेडी कमिटेड जी जी, तो आप हो गए डॉक्टर बीना जी है, तो इसी प्रकार से जैसे हमने आचार्य अभिनव गुप्त की जयंती कुछ पहले वर्ष से शुरू की और आपने देखा किस प्रकार से लगातार उसका उसका भव्यता हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है, और मुझे लगता है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो अगले वर्ष प्रभु इच्छा से हम कश्मीर में ही, जहाँ पे आचार्य अभिनव गुप्त की जन्मस्थली थी, वहीं पे इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और आप सब महान आचार्यों के दर्शन हम स्वयं साक्षात रूप में वहीं पे डल लेक के किनारे करेंगे, जहाँ पे आचार्य ने अपना ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व को दिया था। धन्यवाद धन्यवाद। देखो आपको आशीर्वचन भी मिल गया साथ साथ। इंतजार करेंगे इस बात का। नहीं, ये इच्छा जरूर पूरी होगी, शुभ इच्छा है तो जरूर पूरी होगी ये। तो इसी के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर जा को हम सुन नहीं पाए अब की बारी, बट मुझे पूरी आशा है कि डॉक्टर आशुतोष जी आप अगले कार्यक्रम में उनको अवश्य आमंत्रित करेंगे और उनको एज ए मुख्य स्पीकर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मेरे वो इच्छा थी, मैंने संपर्क तो किया था लेकिन बस वो रह गया, पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया हमारा तो, लेकिन उनको सुनने की मेरी इच्छा है और निश्चित रूप से जल्दी निकट भविष्य में मैं उनको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उन्होंने कश्मीर शैविज्म पे काम किया है, मैडम राजेंद्रा ने सौंदर्य लहरी पे किया है, तो मैं अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस तरह के लोगों को हम एकत्रित करें और उनके वक्तव्यों को प्रस्तुत करें। सौंदर्य लहरी के बारे में हमारे कश्मीर में प्रचलन ये था कि जो आज का शंकराचार्य पर्वत है, जो मंदिर है, वहीं पे आदि शंकराचार्य ने उसकी रचना की थी। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि जब डॉक्टर राजेंद्र जी इसके ऊपर सौंदर्य लहरी पे अपना आशीर्वचन हमें देंगे, तो हमें भी ज्ञान, हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा इस पे। तो आज के इसी कार्यक्रम के साथ मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो बीना जी ने कुछ और दायित्व दिए हैं, कोशिश करेंगे कि आपसे आपसे मिलकर ही एक ये जब तक शक्ति का संचार ना हो और आपके स्पंदन शक्ति के द्वारा ही ये संभव है।
नहीं, जिस निष्ठा से आपने इतने मंदिरों में घूम घूम के जी और बाकी इतना आपने पिक्चराइजेशन किया, मैं नियम से देखती हूँ और मुझे ये लगा कि ये सब आप एक जगह अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, आप ये बताएं कि ये हमारी धरोहर है। डॉक्टर साहब ऐसे करें ना, आप इसकी हाँ एक प्रेजेंटेशन ही दे दें कश्मीर के मंदिर हुए, आप तैयार कीजिए जहाँ आप विजिट। इसे। हाँ जहाँ आशुतोष जी आपने मेरी बात मुझसे बात छीनी, क्योंकि मैं इनके पीछे लगा हुआ हूँ कि यही जहाँ जहाँ गए मैं पीछे लगा हूँ, इसको डॉक्टर साहब कलमबंद करो, आपको इसको पीछे लगने के करो। लिए आप तो उनको आदेश दें, आगे पीछे तो लगिए। मैं लग लूंगा। आपको आगे रखने की ज्ञानी आवश्यकता ज्ञानी के पीछे लग ज्ञानी के पीछे लगना पड़ता है, इसे है। होते बहुत है अवश्य अगर ये प्रभु उम्र में। चाहोगे तो इसको इसको भी हम कुछ समय में वो भी आप उसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं सभी मिलके इसको जो है एक्सलेंट, वो बहुत ही आयोजित अच्छा, कर लेते हैं बहुत ही अच्छा जी निश्चित जी भविष्य में। और अवश्य हाँ अवश्य इससे पहले कि आज हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करें, लेकिन आपको सूचना दे दूं कल के लिए, कल 4 बजे हमने जो है वो चर्चा रखी हुई है, ओपन हाउस डिस्कशन, हालांकि उसमें प्रेजेंटेशन भी रहेगी और उसको कंक्लूड करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी, जो एक्स वाइस चांसलर रहे हैं हिंदी महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के, वो कंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो आप लोगों के साथ जो हमने सर्वे किया है, जो प्रपोजल्स हैं संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, वो कुछ साझा करेंगे एंड देन वी विल हैव ओपन हाउस डिस्कशन। तो आप लोग जरूर जुड़िए कि नैक का एक आल्टरनेटिव क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। तो आर्या गर्ल्स कॉलेज का IQAC सेंटर और साथ में हमारे जो है MPN कॉलेज मुलाना भी जुड़ेंगे और GMN कॉलेज भी रहेगा, और सभी मिलकर के उसके ऊपर विचार करेंगे। तो अगर संभव हो तो कल 4 बजे आप सभी लोग जुड़ें और अपने अपने कमेंट्स अपने अपने जो विषय हैं उस पर बात अपनी रख सकें। इसी लिंक पे है जी आशुतोष जी। जी सर, ये नहीं लिंक जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता तब तक चलेगा। आप रिटायर नहीं होंगे, रिटायर रिटायर होता है फिर चलता है। नहीं, सर मैं औपचारिक रूप से 23 में होऊंगा, नवंबर में, तो तब तक के लिए मैंने इसको चला रखा विद रिच एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज यू विल कैरी इट ऑन फर्दर, दैट इज योर प्रॉमिस टुडे सुनील जी एंड टू थैंक यू अस। सर। तो चलिए आप सभी के लिए लिंक भी हमने शेयर कर दिया है सर्टिफिकेट के लिए, आप लोग उसको भर सकते हैं, प्लीज उसको भर दीजिएगा और कल फिर हम 4 बजे मिलते हैं और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या हम कितना सफल होते हैं और कितनी असफलता है, ताकि हम फिर पुनः अग्रसर हों। तो इन्हीं बहुत सब बहुत शब्दों के धन्यवाद, साथ आप बहुत बहुत सबका बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब कल मिलते हैं, मैडम राजेंद्रा और हमारे साथ मैडम डॉक्टर रंजू त्रेहन जी IQAC की इंचार्ज, वो जुड़ी हुई हैं, उनका धन्यवाद भी है, स्वागत तो करना मेरे से पहले रह गया था। डॉक्टर रूपिका जी जालंधर से जुड़ी हुई हैं, मैडम मीनाक्षी, डॉक्टर सिल्वी और डॉक्टर ज्योति जी, कुछ लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन आप सबको मैं प्रणाम कहता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इसके जो प्रोसीडिंग्स है वो बना करके मैं कल शाम के बाद भेजूंगा, क्योंकि अभी मुझे कल के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।